इस फिल्म का कोई भी पात्र सच पूछिए तो पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। ये उन स्त्रियों की सिसकियां हैं, कराए हैं, चीखे हैं, जो हमारे सभ्य कहे जाने वाले समाज में आज भी घुट घुट के जी रही हैं। इस फिल्म के माध्यम से कोशिश की गई है कि ये बेबस मिन्नतें उन कानों तक पहुंचे जो इन्हें सुनकर भी अनसुना किए बैठे हैं। आखिर किसी भी सभ्यता की महानता उसमें स्त्रियों को दी गई समानता और आदर से ही नापी जाती है। कुछ नहीं, साहब का फोन आया था। नो मैडम, साहब खुद आए थे पर आप सो रही थी। साहब ने कहा है कि वो क्लब जा रहे हैं और आने में लेट हो जाएंगे। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मेक्स मी फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत, और उतना ही प्यार मुझे अपनी आजादी से है। आई नीड माय स्पेस डार्लिंग। इसलिए अपने पापा से दूर यहां कर रहता हूं। आज समझने की वैदेही, अगर समझोगी तो बुरा नहीं लगेगा। It's just a matter of understanding, love. छोड़ी मुझे, मैं तुम्हारा पति हूँ। उस वक्त ख्याल नहीं आया जब अनीता को किस कर रहे थे? छोड़ अनीता को, अनीता से मुझे प्यार नहीं है, मुझे प्यार तुम से है। तो वो क्या था? हवस? प्यार किसी
किसी और से, हवस किसी और से, घर के लिए कोई और चाहिए, बाहर के लिए कोई और चाहिए। Oh, come on, darling, come on, baby. I love you. You know that. I love you too much, baby. छोड़ी मुझे। I'm your husband. Come on. छोड़ी मुझे। Baby. रघु, please leave me alone. Yes, baby. Leave me alone, रघु. Ready? छोड़ो मुझे। Husband, ready? रघु, छोड़ो मुझे। Come on, ready? Leave me. Come on, ready? छोड़ो मुझे। Give yourself. Ready? I'm your husband, my lady. I'm sorry, but you deserve it. This is not the way to behave with your husband, huh? What the hell do you want? देखो वैदेही, मैं तुम्हारे पति रघु का फैमिली डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। आज जब तुमने फोन किया कि तुम्हें बुखार है, मुझे तुम्हारी आवाज से लगा कुछ और परेशानी है, इसलिए मैंने क्लिनिक की बजाय तुमको यहाँ बुलाया ताकि तुम एक भाई से दिल की बात कह सको। थैंक यू डॉक्टर, आप सिर्फ मुझे दर्द और बुखार की दवा ले दीजिए। वो तो मैंने नर्स को फोन कर दिया है, तुम नीचे क्लिनिक पे जाके इंजेक्शन ले लेना और ब्लड और यूरिन का सैंपल दे देना टेस्ट के लिए। ठीक है, मगर ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप को मालूम है रघु तुम पे हाथ उठाता है? नहीं। चलो चलो जल्दी करो, मैंने तुम्हारे लिए फरकोट सेलेक्ट किया उस दुकान से, वो दुकान बंद हो जाएगी, जाकर उठा। मुझे नहीं चाहिए। What do you mean, नहीं चाहिए? $40,000 का फरकोट मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से सेलेक्ट किया और तुम कहती हो नहीं चाहिए? What nonsense. अच्छे कपड़े, कीमती जेवर, बड़ा घर, लंदन, अमेरिका, यही सब देख के हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। क्या एक लड़की को अपने पति से सिर्फ यही चाहिए? और नहीं तो क्या चाहिए? दुख, दर्द, गरीबी, come on, grow up. क्यों पहले बुझाते रहती हो बार बार? खैर, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सर्दी होगी, कुछ गर्म कपड़े पैक कर लेना। मैंने आपके कपड़े पैक कर दिए हैं। फॉर गॉड सेक, मैं मेरी नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी। व्हाट डू यू मीन नहीं आओगी? यू हैव टू कम एंड दैट्स फाइनल, ओके? एक ही बात बार बार, नेवर हैप्पी। वो बचपन से ऐसा है, 10 साल का था जब उसकी माँ गुजर गई, बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर बड़ा हुआ, जिद्दी बन गया, बिल्कुल अपने बाप की तरह। तुम्हारी सास को भी काफी तकलीफ हुई थी जब वो शादी के बाद पहली बार अमेरिका आई थी, लेकिन उसने अपने आप को मेरे लाइफस्टाइल के मुताबिक बदल लिया। तुम भी सीख जाओगी और रघु भी तुम्हें समझने लगेगा। वो मुझे तब समझेगी डैडी, जब पहले वो मुझे इंसान समझे। उन्हें लगता मैं एक मशीन हूं, उनकी गाड़ी की तरह, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो घुमा सकते हैं, ले जा सकते हैं, भूल जाते हैं कि मेरी भी फीलिंग्स हैं। देखो बेटी, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। तुम रघु की बेहतर पत्नी हो, इस घर की इज्जत हो, तुम्ही से हमारा वंश आगे बढ़ेगा। यू कांट लेट हिम डाउन। अगर तुम साथ नहीं जाओगी तो 10 किस्म के लोग 10 तरह की बातें करेंगे जो हमारे घर के लिए ठीक नहीं। तुम्हारा जाना जरूरी है और तुम जाओगी। ये तो सिर्फ रघु और अनीता ही जानते हैं। आपको बुरा नहीं लगता मेरे पति के साथ आपकी बीवी इस तरह से? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और वो खुश है रघु के साथ। अगर उसकी खुशी पे बुरा मान जाऊं तो फिर प्यार ही कैसा? मैं तो आपसे भी कहता हूं कि ये धर्म शर्म की बातें छोड़िए और हमसे रिश्ता छोड़िए, फिर देखिए हम भी रघु और अनीता की तरह। शट अप। कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। वैदेही, व्हाट इज इट? कहाँ जा रही हो वैदेही? वैदेही, क्या बात है? चलिए घर चलते हैं। अपनी बॉडी छोड़ के घर चलें? यू क्रेजी? यस आई एम क्रेजी। मुझे ऐसे भीड़ में नहीं रहना जहाँ राहुल और अनीता जैसे लोग हो। ओहो, तुम्हें राहुल के साथ क्या प्रॉब्लम है यार? वो कह रहा था जिस तरह से आप उसकी बीवी के साथ घूमते फिरते रहते हैं, मैं भी उसके साथ वैसे। Rahul must be drunk. He wasn't drunk. जो कुछ भी कह रहा था वो होश में कह रहा था। वो जो कुछ भी कहे, तुम्हारी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। It's up to you, darling. मेरी मर्जी? यानी कि आपको इतराज नहीं? आपका दोस्त जिसे मुझे भाभी समझना चाहिए, मुझे ऐसी बातें करा रहा, आपको कोई इतराज नहीं? देखो वैदेही, हर आदमी खूबसूरत लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है। तो बहुत खूबसूरत हो, उसने ट्राई किया, फेल हो गया, सो मेरे विचार पुराने जरूर है लेकिन
लेकिन आपके विचार गंदे और घिनौने हैं। विचार पे विचार बाद में करेंगे, लेट्स गो फॉर अ पार्टी। सब लोग कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। क्या मजाक कर रही हो? इट्स आवर पार्टी, वी आर द होस्ट, इट्स अ कपल्स पार्टी। अगर मैं अकेले वहां खड़ा रहूंगा तो क्या इज्जत रहेगी मेरी? कम ऑन यार, जिस जगह राहुल और अनीता जैसे लोग हो मैं वहां नहीं रहूंगी। राहुल और अनीता को हमने इनवाइट किया है, मैं उन्हें पार्टी से कैसे निकाल सकता हूँ? वो आप जाने। प्लीज वैदेही, प्लीज फॉर माय सेक वैदेही। मैं नहीं आऊंगी। What the bloody hell? Go to hell! Go to hell! छोटी बातों को लेकर यू ट्राई टू ब्लैकमेल मी। 21वीं सदी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू बी, अ ब्रॉड माइंडेड? यू रिग्रेट, पछताओगे तुम। जिसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। गो बैक टू इंडिया, गेट लॉस्ट, गो टू हेल। मैडम, रघु साहब ने कहा है कि आप अपने घर वापस इंडिया चली जाइए। उनके पिताजी भी आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। चलिए। He's all right. जान को तो कोई खतरा नहीं है, मगर मगर क्या? वो शादीशुदा है? हाँ? बच्चे हैं? अभी तक तो नहीं। I'm sorry to say, Mr. Bajaj, कि वो एक नॉर्मल शादीशुदा लाइफ तो बिता सकते हैं, मगर वो कभी बाप नहीं बन सकते। I'm sorry. तुम्हें इस तरह वापस नहीं आना चाहिए था। क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं, शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। बेटी, तेरे डैडी ठीक कह रहे हैं। लड़की की डोली जिस घर में एक बार जाती है वहां से उसकी अर्थी ही निकलनी चाहिए। क्या मामा? एक तो दीदी वैसे ही परेशान है और आप है। तुम चुप रहो पिंकी। तुम्हारी दीदी को तुम्हारा इतना ही ख्याल होता तो इस तरह वापस नहीं चली आती। बड़ी बेटी के ऐसे लक्षण देखकर कौन तुमसे शादी करेगा? बेटी, लोग तो उंगलियां उठाएंगे ही, तरह तरह की बातें करेंगे। तुझे वापस जाना ही पड़ेगा बेटी। अब इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है और उस घर की भी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, समझी? समझ गई। हर घर की इज्जत लड़की के हाथ में है, लेकिन लड़की की कोई इज्जत नहीं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये जायदाद, और रघु के बाद कोई वारिस ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी बहू जो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? ऑफ कोर्स, मैंने ही उसका ब्लड और यूरिन टेस्ट किया था। उसकी रिपोर्ट तो भेजी थी, आपको मिली नहीं? कहाँ है वैदेही? नजर नहीं आ रही। वैदेही को फोन किया? नहीं तो क्यों नहीं किया? क्यों करूं? वो तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसे खबर नहीं करोगे? छोड़ो डैड, जिसे मेरी परवाह नहीं वो मेरे एक्सीडेंट के बारे में जानकर क्या करेगी? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहो, बस उसे फोन कर दो। No, Dad. हमारे बीच में जो भी रिश्ता था वो सब खत्म हो चुका है। I don't care for her anymore. She's a big pain, Dad. बेटे, वो इस घर की बहू है। उसके बारे में इस तरह मत कहो। Foreign phone करो। Come on, Dad. Come on, Dad. Give me a break. वैसे ही इस घर में नहीं आएगी, that's final. अगर आपको बहू ही चाहिए तो मैं 10 बहुएं ला दूंगा। तुम 10 बहुएं ला सकते हो, लेकिन एक वारिस नहीं, जो सिर्फ वैसे ही दे सकती है। I'm sorry, बेटे. ये बात मैं तुम्हें इस तरह नहीं बताना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। बेटे, अभी मुझे पता चला है कि वैदेही प्रेग्नेंट है, उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि तुम उसे यहां बुला लो ताकि हमारा वंश खत्म होने से बच जाए। बेटे, एक बार उसे बच्चा हो जाने दो, हमें हमारी औलाद मिल जाए, फिर
फिर अगर वो तुम्हारी बात नहीं माने तो उसे तलाक दे देना, दूसरी शादी कर लेना, जैसे चाहे जियो, कौन रोकेगा। और अगर हमारे बच्चे को लेकर वो ज्यादा शोर मचाए तो क्या ऐसे लोग भी हैं जो उसे खत्म कर सकते हैं। सॉरी आई फॉरगॉट माय डायरी। हेलो कौन? हाँ हाँ रघु बेटा। हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जीते रहो बेटा जीते रहो। हाँ हाँ वैदेही है ना, यही है, अभी बुलाता हूँ, एक मिनट। वैदेही वैदेही, रघु का फोन है, आओ। हेलो हेलो वैदेही, वैदेही मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, बहुत नाराज। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, उसकी सजा भगवान ने मुझे दी। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब? आप ठीक तो हैं? हाँ जिंदा हूँ, बचाओ तो सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से, तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से। मिस यू वैदेही, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक सून। आती हूँ कल। कल? हाँ कल, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। मेरे मुंबई के ऑफिस का मैनेजर तुम्हें यहाँ ले आएगा। Please come by the. Okay. I love you. I love you very much. There's no one here to look after me. Please come. I love you. I love you too. Who are you? Hello, Francis here. Francis. Yes, sir. कल फखरुद्दीन के साथ वैदेही को यहाँ भेजो। सर फखरुद्दीन idiot है और इससे पहले उसने कभी विदेश का सफर नहीं किया सर। उसे भेजो, अगर फखरुद्दीन रहेगा तो उसका दिल बहला रहेगा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। Right, sir. समझ गए ना? No mistakes. Okay, sir. Good. Hey, करो रे। फखरू मियां लक्को जाओ। हमको छोड़ के नक्को जाओ मियां। अरे चुप! क्या मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ? पहली बार विलायत जा रहा हूँ, वो भी अमेरिका। खुशी से रुक सकते रहो ना। रो रही फखरू मियां। क्या हुआ? अमेरिका तक का इतना लंबा सफर तुम अकेले कैसे तय करेंगे मियां? अरे इतना लंबा सफर पैदल नहीं जा रहा हूँ, हवाई जहाज से जा रहा हूँ हजरत। चुप करो, चुप कराओ भाई। मेरे बच्चे फखरू खुदा भी दबा। अजी मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे मेरी सलमा आ गया, इतना और टिंग को करो। चुप चुप बोल रहा मैं। बेटा फखरू मेरी एक नसीहत याद रख जी, कभी औरत का दिल न को दुखा, औरत की बद्दुआ में बहुत असर होता बेटा। हाँ? बहुत अच्छा माँ, अच्छा फिक्र न करो, मैं आता हूँ। मेरे लड्डू पेड़े, मेरे रसगुल्ले, मेरे दूध पेड़े, मेरे गुलाब जामुन। खाला प्लेन छू जाएंगे खाली, आने के बाद मिठाई की दुकान खोल तो तुम्हारे लिए। फिक्र न करो, पकड़ो। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। बेटी ये देवी माँ का सिंदूर है, रघु से भरवा लेना। बेटी सुखी रहे बेटी। एक बात याद रखना बेटा, वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा घर है, ये नहीं। आ बेटा। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, ये न्यूयॉर्क के चेक-इन काउंटर का है सर। न्यूयॉर्क चेक-इन काउंटर? हाउ? न्यूयॉर्क चेक-इन काउंटर क्या प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं? पहले रेलवे में थे लगते ही। चलो सलाम अलैकुम। अमेरिका 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 अमेरिका। अरे वैदेही तुम कहाँ हो, कहाँ से बोल रही हो? मैं एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट से। न्यूयॉर्क आ रही हो ना? नहीं नहीं अभी यहाँ मत आना। क्या, क्यों? जो हमने तुम्हारा टेस्ट करवाया था उसका रिजल्ट पॉजिटिव है और तुम माँ बनने वाली हो। आपने रघु को बताया? हाँ, यही बात तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन गई है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? देखो वैदेही, एक्सीडेंट के बाद ये पता चल चुका है कि रघु अब कभी बाप नहीं बन सकता। रघु और उसका परिवार अपने वंश को चलाने के लिए तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वो यहाँ बुला रहे हैं। ये लोग बहुत पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँ डॉक्टर? मेरी सलाह मानो,
तो अभी यहाँ मत आओ, वहाँ किसी अच्छे वकील से बात करो, फिर कोई कदम उठाओ। बाय। बॉस से बात हो गई मैडम? हाँ, थैंक यू। चले मैडम, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। भाभी जान, मेरे को मुबारकबाद दो भाभी जान, मैं जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल बॉडी गार्ड देख रहा हूँ, अब मेरे को अमेरिका जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अल्लाह, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं आज नहीं जा सकती। नहीं मैडम, हमें अभी चलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, कम ऑन प्लीज। नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी जान, आप आराम करो, मैं जाके रघु साहब को बोल देता हूँ। फखरो, खामोश रहो यार तुम, मैं जा ही रहा हूँ ना, बॉस को समझा देता हूँ। फखरो, तुम मैडम के साथ जाओगे, और मैडम चलिए, बॉस का ऑर्डर है, फ्लाइट में डॉक्टर का भी इंतजाम हो जाएगा। चलिए, आई टेक, चलिए बाथरूम होके आती हूँ। श्योर, अच्छा अच्छा श्योर, जाइए जाइए। फखरो, तुम व्हील चेयर ले आओ, व्हील चेयर फास्ट। बच्चा मेरा है, इसमें मेरा हक है, मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी, हर किसी नहीं दूंगी। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है, जिसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। रघु और उसका परिवार अपने वंश को चलाने के लिए तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं। शादी के बाद पति का घर लड़की का घर होता है, तुम्हारा बच्चा हासिल करना चाहते हैं। हेलो फ्रांसिस, क्या वैदेह ने प्लान बोर्ड किया? नहीं सर। वो क्यों नहीं? मैडम ने तो आपसे बात की ना सर। मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो उन्होंने किसी से तो बात की सर, फिर अचानक वो कहने लगी उनकी तबीयत खराब हो गई है, दो रोज बाद जाऊंगी। हालांकि मैं उनको समझा रहा हूँ, लेकिन वो मानने तैयार नहीं सर। कहाँ है वो? सर वो टॉयलेट में है और मैं बाहर उनका वेट कर रहा हूँ। Go and check the toilet. सर वो लेडीज टॉयलेट है। Go and check immediately. I'll do that, sir. हाँ, चलो भाई आ जाओ, बैठो, चलो। फखरो, ये मेरे लिए नहीं है, लेडीज टॉयलेट जाओ। देखो तो मेरे सीनियर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे को टॉयलेट कब जाना बताने की जरूरत नहीं है। लेडीज में क्या जाना, मैं जेंट्स में जाता हूँ। फखरू, लेडीज टॉयलेट में जाके सिर्फ ये देखना है मैडम वहाँ है या नहीं है। कम ऑन, चलो यार, कम ऑन। हेलो भाभी जान। मैडम, भाभी जान, चलो भाई ट्रक जाने दो। यार भाभी ने मुसीबत खड़ी कर दी, बॉस के फोन पे फोन चले रहे, समझ में नहीं आ रहा। भाभी का छोड़ो यार, तुम्हारी वजह से फिसल के गिर गया ना मैं, कितना लगा मेरे को। एक मिनट, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपने यहाँ से किसी औरत को जाते हुए देखा है? औरत क्या यार, भाभी जान बोलो ना यार। आपने हमारी भाभी जान को जाते हुए देखा है? हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। फखरो, भाई साहब, आपने यहाँ से किसी औरत को नीली साड़ी में जाते हुए देखा है यहाँ पर? नहीं तो किसी गाड़ी को जाते हुए देखा है? अभी अभी हमारी ट्रकें नागपुर गई हैं। संतरे की? नहीं जी। ओ, संतरे की ट्रक तो वहां से आती है। फोन फोन बॉस। यस सर। वैद्य ही कहाँ है, फोन दो से। वो सर, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। What the hell are you talking? सर संतरे का पता, मेरा मतलब है हम भाभी जान का पीछा करते हुए कार्गो सेक्शन तक तो आ चुके हैं, लेकिन पता चला ऐसे कुछ ट्रक्स नागपुर की तरफ रवाना हुई हैं, शायद वो किसी ट्रक में बैठ के चली गई होंगी। फॉलो हर फ्रांसिस, तुम फॉलो नागपुर जाओ, पता लगाओ। आई वॉन्ट यू टू फाइंड हर, फाइंड हर फॉर मी, मैं आ रहा हूं इंडिया। ओके सर। क्या बोल रहे हैं फखरू? हाँ, अभी हमें नागपुर चलना पड़ेगा। तो तुम जाओ ना, फिर मैं न्यूयॉर्क जाके इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फखरू, फॉलो मी। अरे नागपुर कैसे जाएंगे, 26 घंटे का रास्ता यार, न्यूयॉर्क 16 घंटे का। मैं जाके आता हूँ ना। फखरू, नागपुर कानपुर जाने के बाद नौकरी नहीं कर रहा हूँ मैं। फखरू, आता हूँ।
की सर एक एक गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जाएगी, सामान उतार उतार के देखिए आप। अरे ऑफिसर आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, अपने हवलदार से कहिए ड्यूटी ठीक तरीके से करे, मैडम का मिलना बहुत जरूरी है। अरे घोड़ों को छोड़िए मैडम को ढूंढिए मैडम को, और वो जो भी आखिरी ट्रक आई है ना उसकी भी तलाशी लीजिए प्लीज, आई रिपीट उसकी तलाशी लीजिए एंड यू बी अलर्ट ओके। फ्रांसिस यस, इसी कार से मैं दूसरी फ्लाइट नहीं पकड़ सकता क्या? नहीं घबराओ नहीं, जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुआ है। साला आधे बिस्किट में ही लुढ़क गया। बिस्किट? मेरा स्पेशल बिस्किट, नशे वाला, किफायती और भरोसेमंद। एक बार खाओगे आधे में सो जाओगे। मेरा बिस्किट नंबर वन। टिंग डॉंग। तुम्हारे पास पेन है? पेन? हेयर पेन? हाँ। थैंक यू। वैसे ये भी मेरी बिरादरी का है, मैं रात को लूटता हूं, ये दिन को लूटता है। अरे वाह, ये तो खुल गया, तुम्हारे पेन ने तो कमाल कर दिया। दस बीस तीस चालीस पचास, पूरे 50,000, मेरी तो लाइफ बन गई। इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है 10%, गिनकर 5,000 रुपए रख लो जी। अरे तुम्हारे पेन का किराया ले लो। नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी। देखो अगर तुम नहीं लोगी तो मेरे सर पर तुम्हारा एहसान चढ़ जाएगा जो मुझे पसंद नहीं। जी मैं नहीं लूंगी। प्लीज ले लो। एक एक दुकान खुलवा के चेक करो, मेरे बॉस के पास सीएम से लेकर पीएम तक। डरो मत, आओ मेरे साथ। मैं यहाँ से कूद कर भागता हूँ और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। तुम आराम से दरवाजे से निकल जाओ, फिर हमारा एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं, हिसाब बराबर। गुड बाय, खुदा हाफिज। अरे 200-400 कुर्सियां ज्यादा महंगा नहीं होती? अब देखिए बाराती आकर खड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा समधी साहब, आपने 500 बारातियों का लिस्ट दिया था, फिर भी मैंने 700 कुर्सियों का इंतजाम किया है, लगता है लोग कुछ ज्यादा आ गए। तो क्या कुर्सियां साथ में लेकर आते? जी नहीं नहीं बताओ, साथ में खाना पीना बांध कर लेकर आते? नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नेकचंद जी, अगर इतनी भी हैसियत नहीं थी तो क्यों किया हमारे साथ रिश्ता? हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी थी क्यों दामोदर? जी जी जी, हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं, लंबी लाइन लगी रहती थी लड़कियों की, एक से एक सुंदर और बाप धुरंधर। सुन लिया? अब भी बोल उठ जाए। चले माफ कीजिएगा, कुर्सी को ऑलरेडी इंतजाम हो गया, आता ही होगा 15 मिनट में, मैं खुद ही जाके देखता हूँ। अरे अब तक आया क्यों नहीं वो? लगता है अब मैं सही जगह पहुँच गया हूँ। क्यों भाई साहब, यहाँ शादी हो रही है ना? जी नहीं, यहाँ कोई मर गया उसकी शोक सभा हो रही है। अरे फिर गलत जगह पहुंच गया। अरे ससुरे नेकचंद के चक्कर में पूरे शहर का चक्कर लगा के घन चक्कर हो गया, अब कहाँ ढूंढू नेकचंद तुझे, कहाँ ढूंढू? अरे ओ भुलक्का, अरे कहाँ जा रहा है तू? अपने दोस्त नेकचंद को ढूंढने भाई। अरे नेकचंद तो तू ही है। ओहो अरे कुर्सी लगाओ भाई, इतनी देर हो गई, सब लोग उठ जाएंगे। उठ जाएंगे? कहीं लड़के का बाप हजारी लाल तो नहीं है? अरे वही तो है, कितनी बार कहा है? अरे उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ मैं, इससे पहले भी 2 बार उठ चुका है वो, लेकिन इस बार मैं उठने दूंगा नहीं। तू चिंता मत कर, एक एक बाराती को फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपका दूंगा कि उठे साले के बाद डालेंगे किधर। अरे नहीं नहीं, अरे सुन मेरी बात सुन, लड़की वालों को तमीज से पेश आना। लड़की वाले? अरे हम लड़की वाले। अरे हम लड़की वाले? अरे तमीज से पेश आऊंगा मैं। ये मामी जी के लिए। मामी भाभी ये लो। ये दामोदर जी के लिए। लल्ला जी दीदी ये लो तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? जी आपके घर में जो काम करती है मैं वो नाम नहीं जानती। बसंती, बसंती जी ये लो जी। और समधन जी ये आपके लिए, इसमें है 2 साड़ियाँ और 1 शॉल। खोल के देख लो। हाँ बेशक, प्लीज देखिए ना, बल्कि मैंने खुद खास तौर पर आपके लिए पसंद किया है। अच्छा ओ, ये प्योर सिल्क है समधन जी, बनारसी।
लगती तो नहीं है, मैं तो कांजीवरम ही पहनती हूँ। बसंती, ये दोनों साड़ियाँ तू ही रख ले, और ये शॉल भी, तेरा बाप चौकीदारी करता है ना जी, काम आएगी रात को। काम तो आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूसरी तो अच्छी साड़ियाँ मंगा लूंगी आपके लिए। तुम संकोच मत करते हो यार, खाओ ना। जी नहीं, आप खाइए। पहली बात तो मुझे आप कहकर नहीं तुम कहकर बुलाओ, और दूसरी बात बिंदास खाओ, एंजॉय करो जैसे सब लोग कर रहे हैं। हेलो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब लोग दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए? यहाँ हर आदमी का अपना अपना कोई मतलब होता है। वो देखो, ये सड़ा हुआ सूट पीस मुझे नहीं चाहिए। साड़ी और सूट पीस वापस कर दो, हम चले जाते हैं यहाँ से। अरे मैं क्यों जाऊँ, मुझे तो साड़ी पसंद है, तुम्हें जाना है जाओ। अरे इस साड़ी के लिए तुम अपने पति को छोड़ोगे? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाय दिया। क्या हुआ? क्या हुआ इसको है? पता नहीं, वो अचानक। और जल्दी से एक ग्लास पानी ले आ। हाँ। मैं इसे देखती हूँ। भाई साहब एक सेकंड। ये सब पानी कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, पी ले। आज मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ? अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है इसे बुद्धू, ये बीमार थोड़ी है। एक मिनट, तू बंसीधर का बेटा है ना? जी जी, जिसकी आटे की चक्की है। हाँ, अभी तो मैं कहूँ कि इसकी शक्ल इतनी जानी पहचानी कैसे लग रही है। ये दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं, लापरवाह। ये बेचारी माँ बनने वाली है और इसे यहाँ लाके खड़ा कर दिया है भीड़ भड़क्के में। अरे इसे जाके कहीं अच्छे तरह से बिठा, जरा फल बल खिला, है बाप बनने का कुछ तो फर्ज निभा बुद्धू कहीं का। वो I'm sorry, मेरी वजह से आप। वो तो ठीक है, लेकिन आप इस हाल में, आपके पति को मालूम है आप माँ बनने वाली हैं? जी हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ। ओह, सॉरी। कहीं पढ़ा था कि सिगरेट का धुआं बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। मैं आपके लिए फल लेके आता हूँ। माफ कीजिएगा। अरे आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं तिली के पापा, मैं आपके पति हूँ। क्या बात है? वो क्या हुआ, वो बारातियों में कुछ नए खर्चे आ गए, तुम जल्दी से 20,000 रुपए निकाल के दो। कैसे लाऊं? दहेज की रकम में से तो पहले ही 20,000 रुपए खर्च हो चुके। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, इतने अनाप शनाप खर्चे, मना कर दो उसे। अरे दहेज के रुपयों को तो हाथ मत लगाओ, उस राक्षस से पहले ही दिन कह दिया था कि फेरों के पहले 5,00,000 रुपए नहीं मिले तो उठ जाएगा। बुआ जी, फेरों में भी बहुत देर है, अगर अभी 20,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो अभी उठ जाएंगे। उठ जाने दो। सरोज तुम बात सुनो, तुम 20,000 निकाल के दो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, किसी से कह रखा है, चलो जल्दी करो। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं दुनिया ने चूनो लगाऊं, तू मन ने चूनो लगा ले चाली गई, वो भी कठो समय। नहीं छोड़ूंगा, माफ कीजिए, नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ूंगा, कभी तो मरेगो, कहीं तो मरेगो, नहीं छोड़ूंगा, तने नहीं छोड़ूंगा। इंतजाम हुआ कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा मतलब अभी तक हुआ नहीं है, समझ लीजिए हो ही गया बस। मैं कुछ समझूं या ना समझूं, आप एक बात समझ लीजिए, ठीक 4:45 बजे रकम मेरे हाथ में आ जानी चाहिए, फेरे तभी पड़ेंगे, वरना हम उठ जाएंगे, बारात लेके वापस चले जाएंगे। समधी साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप शायद मुझे जानते नहीं हैं, मैं अपने बड़े बेटे की शादी में 2 बार उठ चुका हूँ, और मेरे पिताजी तो मेरी शादी में 3 बार उठ चुके हैं, आप समझ गए ना? जी हाँ। कितनी रकम कही थी मैंने? 5 लाख। कैसे? कैश। गड्डियाँ? 5-5 सौ की। शाबाश। ये नारियल जरूर खाइएगा, मेरी माँ कहती थी कि नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। आप भी खाइएगा, आपका बेटा गोरा पैदा होगा। अगर बेटी हुई तो? फिर तो और खाना चाहिए, इस मुल्क में लड़का भले ही काला भूत क्यों ना हो, दुल्हन उसे गोरी ही चाहिए। वाह, माफ कीजिएगा, अच्छी रौनक हो गई। नहीं हाँ, यही चिंता सता रही है हमें। क्या अब इतने लोगों का इंतजाम तो किया नहीं होगा, अब ऐसा मत करना कि दाल में पानी और सब्जी में ज्यादा मिर्च मिला दो, अगर ऐसा हुआ तो हम उठ जाएंगे, सारी रौनक गायब। तुम बहुत लकी हो कि तुमने मेरी आखिरी परफॉर्मेंस देख ली, क्योंकि कुछ ही देर में मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, उसने मेरा एयर टिकट, पासपोर्ट, वीजा सब का इंतजाम कर लिया है, दुबई में मेरी नौकरी भी पक्की कर ली है, सुबह मुंबई और शाम की फ्लाइट से दुबई, कोशिश करूंगा फिर यहाँ लौट कर ना आऊं। अरे अरे माफ कीजिएगा, अच्छा वो बोतलें नहीं टूटी, दूल्हे के दोस्तों ने मंगवाई थी। मैं पहुंचा देता हूँ। आप
मैं बंसीधर का बेटा। बंसीधर कौन? चक्की वाले। अरे तुम तो अपने घर के आदमी निकले, चलो इसे जल्दी से वहां पहुंचा दो बेटा। मैं अभी आता हूँ। बंसीधर का बेटा 6 महीने में इतना बड़ा हो गया। नमस्ते। बंसीधर की बहू, जीती रहो बेटी, जीती रहो। किधर जाना है? दोस्त, अरे बाबा ये गाना तो 2 बार गा चुका है। क्या नाटक कर रहा है यार? मेरी शादी के मौके पर मनहूसियत क्यों बुला रहा है? मैं क्या करूं दोस्त, मैं लुट गया। आखिर हुआ क्या है, कुछ बता तो सही। नहीं, अगर मैं बताऊंगा तो आसमान फट जाएगा, धरती रो पड़ेगी। ए, कहीं से थोड़ी दारू मिलेगी? नहीं, दारू खत्म हो चुकी है। दारू है जितनी चाहे उतनी दारू है। अरे यार तुम्हें भी अभी आना था, 5 मिनट पहले आते। मुझे अभी पता चला कि बियर की कमी है। तू हो कौन? मैं बंसीधर का बेटा। बंसीधर? चक्की वाले। खैर छोड़ो, प्रॉब्लम क्या है? यार मेरा दोस्त स्पीकर आउट हो गया है, डरता हूँ कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। नाम क्या इसका? गुलशन। गुलशन, तुम इसे संभाल, मैं उसे संभालता हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही हो। अरे क्या हुआ बॉजी, देखिए ना कितनी सुंदर लग रही है। अरे भाई मैं वारी जाऊँ, कितनी सुंदर लग रही है हमारी दुल्हन है। अच्छा, यह है नेकचंद की लड़की मैथिली। अच्छा। और ये तेरा नाम क्या बिटिया? वैदेही। वैदेही, हाँ। अरे वाह, कितना अच्छा सहयोग है। हाँ? दो सीताएं आज हमारे घर में है बुआ जी। अरे हाँ। वैदेही, दीदी आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे ये बंसीधर की बहू है। बंसीधर कौन? चक्की वाले। हाँ जी, चक्की वाले। अरे लड़कियाँ लड़कियाँ सुनो सुनो, देखो इसका खास ध्यान रखना है, इसको खिलाते पिलाते रहना, ये माँ बनने वाली है। दीदी प्लीज, दीदी आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए? बताओ ना। चुप, मुझे पूछने दो। नहीं नहीं, हम पूछेंगे, हम पूछेंगे। नहीं, मेरी शादी हो रही है या तुम्हारी? जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम पूछ लेना, आज मुझे पूछने दो। आपकी भी लव मैरिज ही होगी दीदी। क्यों, तुम्हारी लव मैरिज है? पूरी तरह तो नहीं, 50-50। मतलब? मतलब कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे, घर वालों को पता चला, रिश्ते की बात हुई और आज शादी हो रही है। बहुत खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। एक लड़की को और क्या चाहिए? एक अच्छा सा पति, एक अच्छा सा घर और एक अच्छी सी संतान। बस एक संतान? आप भी तो बहुत खुश हैं दीदी, आप माँ बनने वाली हैं। आपके पति तो आप पे जान छिड़कते होंगे, नहीं? दो खायो तो ये हालत हुई, पूरा बिस्कुट खाते तो बिस्कुट मांग रहा है। बिस्कुट खाएगा? बिस्कुट खिलाएगा तू मन्ने? झगड़ा क्यों करो? झगड़ा कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं तो इनकी सेवा कर रहा था, इनसे कह रहा था कि बिस्किट खाओगे। अरे फिर बिस्कुट बोलो। बिस्कुट नहीं बोलेगा। गुलाबचंद जी ये बताइए, आप बिस्कुट के नाम से इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? अरे भाया, आज शाम को जब मैं यहाँ आने के लिए अपनी दुकान को ताला मार रहा था, तभी एक फिल्मी हीरो जैसा छोरा अंदर आया और मन ने बोलिया कि मैं दीवान चंद का आदमी हूँ, तो मैं बोला तू होगा। अंदर से आ भाई, बैठो, जरा हाथ तो दिखाओ। भाई कितने की जरूरत है? यही कुछ 50,000 की गुलाबचंद जी। 50,000 की? ये हार तो दीवान बहादुर का ही। ये बिस्किट तो खाइए। बिस्किट? ये भी उन्हीं का है। बिस्किट भी बनाने का? हाँ, खाइए ना। टेस्टी तो है। टेस्टी है ना? बढ़िए हार तो। और जब मन ने होश आयो तो मैं देखियो हमारी तिजोरी खुली पड़ी है और बामे रखा 50,000 रुपया गायब है। और वो हार? अरे वो हार तो नकली था, पर ये बिस्कुट असली है, इसलिए मैं इसको मार रहा था। अरे क्या मार मार लगा रखी तूने? अरे गेहूं की तरह चक्की में डालकर पीस कर आटा बना दूंगा तेरा। अरे क्या कर रहे हो, लड़की वालों को झुक के रहना चाहिए। अरे कौन लड़की वाले? हम लड़की वाले। अरे
अरे हाँ, हम लड़की वाले। अरे अरे मारिए साहब, मारिए हमें। अरे दिल दिल तो बहुत कर रहे कि मारूं, पर जा नहीं मारूंगा। अरे मारिए आप, हम लड़की वाले। अरे जान दे भाई, जान दे। क्या अबे मार नहीं तो मैं मारूंगा तुझे। अरे कैसा मैं की तेरे। अबे क्या हुआ, झगड़ा किस बात का? हां प्रॉब्लम क्या? कुमार जी नहीं है। अरे कौन है? अरे अरे तमीनो तमीनो बिस्कुट वालों। अरे गए बिस्कुट वालों। क्या हुआ गुलाब चंद? आपने बिस्कुट वाले को देखा? बिस्कुट खाना है आपको? नहीं बिस्कुट नहीं, बिस्कुट वालों। अरे पुलिस, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी वेयर द बाथरूम? कठे गए सालो, कठे गए सालो, कमीनो बिस्कुट वालों। मिल गया, मिल गया। अरे कहाँ मिल गया? लड्डू, लड्डू मिल गया। अरे लड्डू नहीं, बिस्कुट वाला नहीं, ढूंढो चोर सालो। ऊपर होगो, ऊपर होगो। कठे गए हो, कठे गए हो। चिल्लाओ मत, क्वाइट, चुप। दरअसल मैं एक चोर हूँ, लेकिन तुम डरो मत। मुझे मुझे दुबई में नौकरी मिल रही है, जिसके लिए मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। इसकी मैंने एक सेठ को अपना नशीला बिस्किट खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। साला अपना बैडला की खराब है, वो साला पुलिस को लेकर यहाँ टपक पड़ा है। वो जैसे हटेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बस इतनी सी बात है। अब तुम्हें डर नहीं है ना? आग झपक क्या करो, प्रॉमिस तुम चिल्लाओगे नहीं? थैंक यू, थैंक यू, नाउ आई कैन रिलैक्स। मैं कुछ ही देर में तो चला। हेलो मैथिली। गुलशन तुम? हाँ मैथिली हम। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये तुमने क्या किया मैथिली? क्यों किया? क्या मैंने क्या किया? अरे मैथिली तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हारा साथ पाने के लिए 3 साल लगातार मैं कॉलेज में फेल होता रहा, और आज तुम अतुल से ब्याह चाह रही हो? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो कहना कि I love you मैत्री, I love you, मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और आज मैं तुमसे शादी करूँगा। चलो तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं शोर मचा के सबको यहाँ बुला लूंगी। बुलाओ, सबको बुलाओ, सारी दुनिया को बुलाओ, ताकि मैं सबको अपना सीना फाड़ के दिखा दूँ कि मेरे मन मंदिर में एक की मूर्त है। मैथिली मैथिली मैथिली। अरे दोस्त तुम यहाँ, मैं तो तुम्हारा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लेने गया था। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं ना गुल्लू? लो बिस्किट खा लो। दोस्त थैंक यू, टेस्टी है, मेरी वाइफ को भी। किफायती और भरोसेमंद, एक बार खाओगे आधे में सो जाओगे। मेरा बिस्किट नंबर 1, टिंग डोंग। आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो तो ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करें? किसी को पता चल गया मेरे कमरे में 2 मर्द घुसाए, एक खड़ा है एक पड़ा है, तो लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी डोंट वरी, पहले जो पड़ा है उसे तो ठिकाने लगा दें। आइए भाई साहब, आपको ठिकाने लगा देते हैं। अरे गुड लैंडिंग। डरो मत, नीचे कचरे का ट्रक आराम से सोते बजाएगा म्युनिसिपैलिटी। अच्छा मैं चलता हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? मुझे देखने तो कोई है तो नहीं? वो लोग तो बाहर धरना दिए बैठे हैं। तो फिर कहाँ जाऊँ? थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। चिल्ला कोई तो नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा, एक काम करो। क्या? जरा सा कागज पेन और लिफाफा ले आओ मेरे लिए। लिखने के लिए? खाने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, इस वक्त ऐसा मत कहिए। सुनिए, हेलो, क्या हुआ? देवन भाई ने भी मना कर दिया, उनका ये एक आसरा था, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। अच्छा भाई, मेरे जाने का टाइम आ गया है। कहो तो तुम्हें कहीं छोड़ दूं? कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी तक तुमने कुछ सोचा नहीं, ठीक कहा मैंने? हाँ वो मेरा काम करोगी? हाँ जरूर, बोलो। हरिपुर में मेरी माँ रहती है, उन तक ये लिफाफा पहुंचा देना, इसमें थोड़ा सा प्रसाद और उनके नाम एक चिट्ठी है, और ये कुछ पैसे रख लो तुम्हारे लिए। नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। रख लो, सफर में काम आएंगे। अरे खर्च ना तो माँ को दे देना, और कह देना कि मैं ठीक हूँ। लिफाफे पर नाम और पता दोनों लिखें, और एक और बात, नारियल खाना मत भूलना।
कहाँ ले जा रहे हैं? बस थोड़ा सा जरा, बात क्या है बताइए ना। एक मिनट जरा अंदर से। अब यही बताइए ना। ओह संदीप साहब ये रही आपकी अमानत। अच्छा पूरे हैं? वो क्या है कि वो कुछ ऊपरी खर्चों की वजह से वो क्या है कि 50,000 रुपए कम पड़ गए। नहीं मैंने अपने एक मित्र को फोन कर दिया है, फिर उसे पहले ले आएगा, और अगर ना भी आए तो मैं वादा करता हूँ कि 2 दिनों के अंदर आपके यहाँ खुद पहुंचा दूंगा। तो ठीक है, फिर भी 2 दिन के बाद हो जाएंगे। नहीं संदीप साहब ऐसा मत करिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं मर जाऊंगा। नेकचंद जी हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मंडप में दूल्हे के बैठने के 5 मिनट पहले पूरी रकम मेरे हाथ में आ जानी चाहिए, वरना हम उठ जाएंगे। मैं समझ गया सब। रकम कितनी? 5 लाख। कैसे? कैश। गड्डियाँ? 500 की। अच्छा वेरी मैं चलता हूँ। अब क्या होगा, कहाँ से लाएंगी 50,000? मेरी तरफ क्या देख रही हो? नो दैट्स नॉट फेयर। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम ये समझती हो मैं ये 50,000 उनके हाथ में रख दूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कह तो रहे थे कि 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। अरे तब तक ये नौकरी किसी और को मिल जाएगी। मैंने ये चोरी की है ये नौकरी पाने के लिए। तुम क्या चाहती हो मैं जिंदगी भर चोरी करता रहूं? नो मैडम नो। मैथिली की शादी रुक जाएगी, उसके बारे में तो सोचो। अरे मैं क्यों सोचूं? और तुम भी क्यों सोच रही हो? देखो हम यहाँ शादी में घुसे हैं पुलिस से बचने के लिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहाँ के फैमिली मेंबर हो गए। ना मैं लड़की वाला ना लड़के वाला, मैं चला। नमस्कार। मैथिली चुप हो जाओ। देखो मुझे लगता है अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या दीदी? पापा को और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती मैं। अतुल कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तुझसे प्यार करता है? हाँ दीदी बहुत प्यार करता है। तो उससे बात करके देख, अगर वो अपने पिताजी को समझाए तो वो जरूर मान जाएंगे। आओ अतुल। मुझे तुमने बुलाया? बैठो। क्या बात है मैथिली? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, संकोच हो रहा है, तुम्हें कैसे बताऊं? ए मुझसे कैसा संकोच यार, अभी थोड़ी देर में हमारी शादी होने वाली है, हम एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? हाँ थैंक यू अतुल, तुमने ये कहकर मेरा मन हल्का कर दिया। हाँ हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है। शादी से पहले तुम्हारे पापा ने जिन जिन चीजों की मांग की थी, हाँ हाँ पापा ने वो सारी पूरी करी। हाँ हाँ मैंने देखा है यार, एक एक चीज दी है उन्होंने। सिर्फ एक चीज में कमी रह गई है। किस चीज में? उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की थी। हाँ। 4.5 का इंतजाम हो गया है, बस 50,000 रुपए कम पड़ गए। मेरे पिताजी ने 2 दिन की मोहलत मांगी है, लेकिन तुम्हारे पिताजी मान ही नहीं रहे। अब बस तुम हो जो उन्हें मना सकते हो। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैथिली। इस प्रॉब्लम की क्या बात है, पापा इनकार कहाँ कर रहे हैं? देखो पापा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए इतनी टेंशन ठीक नहीं, वो तो सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। बात 2 या 4 दिन की नहीं है मैथिली, बात है उसूलों की। अगर तुम्हारे पिताजी ने आज 5 लाख रुपए देने को कहा है तो उन्हें दे देने चाहिए ना। और हमारे खानदान की परंपरा रही है कि लेन देन के मामले में सिर्फ बड़े ही तय करते हैं, छोटों को बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मेरी ये सलाह है कि तुम भी इस मामले में कुछ मत बोलो, सब कुछ अपने पिताजी पर छोड़ दो। मुझे पूरा यकीन है वो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेंगे। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ, टेक केयर। अरे हाँ मैंने हनीमून के लिए मॉरिशस की सारी प्लानिंग कर ली है। यस सब ठीक हो जाएगा। ओके नमस्ते दीदी। एक्सक्यूज मी जी, वो हजारीलाल जी का है? जी वो वहां बैठे हैं। जी शुक्रिया। कहाँ जा रही हो?
कहीं भी। तुम्हारे जेवर? तुमसे मतलब? तुम अपने जेवर हजारीलाल को नहीं दोगी। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? ट्यूबलाइट। जी हाँ, ट्यूबलाइट। वो क्या है कि अक्सर मुझे बात जरा देर में समझ में आती है। इस बार बत्ती जलने में कुछ ज्यादा टाइम लग गया। और तुम्हारी नौकरी? तुम चाहती हो ना शादी हो जाए? मैं भी यही चाहता हूँ। तुम अपने जेवर पहन लो, मैंने एक चंजी को पैसे दे के आता हूँ। क्या चाहिए आपको? सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। अजी माफी तो हमको मांगनी चाहिए। लेकिन गलती तो मेरी है। अजी गलती किसी की भी हो, माफी लड़की वालों को ही मांगनी पड़ती है, यही दस्तूर है। विदाई तक हमको माफी मांगनी पड़ेगी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। लड़की वाला तो मैं भी हूँ। लड़की वाले आप भी हैं। आपसे मिलकर बहुत दुख हुआ। आप हैं कौन? मैं नेकचंद जी की दोस्त बंसीधर का बेटा हूँ। बंसीधर का बेटा कौन? वही चक्की वाले। बंसीधर चक्की वाला? वो तो मैं ही हूँ अकेला। मैं? आप? हाँ मैं। हो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा मेरे मुंह पर कालिक मल के अपनी मर्जी की शादी करके चला गया। वो अगर मुझे मिल जाए तो गेहूं की तरह चक्की में डालकर पीस जरूर पीसिए। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलते हो? हो कौन तुम? मैं बंसीधर का बाप हूँ। बाप? कभी बेटा कभी बाप। बाप रे बाप, कौन है आप? क्या चल रहा है बाप बेटे में भाई? ये चल नहीं रहा है, घूम रहा है। कौन हूँ मैं? कौन हो तुम? ये कौन है? देखो बंसीधर, अब बेटा आ गया है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे क्या कहते भाई? आप इन्हें समझाइए। मैं चलता हूँ डैडी, बहू को लेके आता हूँ। डैडी बहू को लेकर? बहू से मिला मैं, बड़ी अच्छी है। अरे ये मेरा बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से? अबे कौन है तू? नेकचंद जी मिले। अरे बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? मुझे मेरा बाप मिल गया। बाप? हाँ बंसीधर। अच्छा हो गया नेकचंद जी आ गया, वरना मेरी पोल खुल जाती है। वहां मत देखो, वहां मत देखो, चलो चलो। इस समय आप जो कुछ भी दीजिएगा मुझे काफी मदद मिलेगी। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। प्लीज जो भी हो सके प्लीज। ओके माफ करना बेटा, क्या बात है? जी अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। वो मैं देख रही थी कि शादी में, शादी के अफरा तफरी में मैं इतना बौखला गया कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर कोई तकलीफ? किस बात की अंकल? मैं तो ये कहने आई थी कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी शादी नहीं देखी। नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल रखने के लिए कह रही हूँ बेटा। नहीं अंकल, मैं सच कह रही हूँ। इतना अच्छा इंतजाम किया है आपने, हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया है। इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी। क्या हुआ अंकल? अंकल, अंकल? जिस दिन से मैं शादी की तैयारी कर रहा हूँ उस दिन से आज तक तारीफ के पहले दो लफ्ज सुन रहा हूँ मैं, वरना जिसे देखो उसे मैं क्या? हर बाप बेटी के पैदा होते इसी दिन की तैयारी में तो लग जाता। इस इंतजाम देख रही हूँ ना बेटा, ये सब चार दिन की तैयारी नहीं है। मैथिली की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ एक एक दिन एक एक पल का सजा हुआ मेरा सपना, कोई कमी नहीं रखूंगा, सब कुछ दूंगा, सब कुछ दिया है मैंने, सिवाय भाई बस इसके। ये गुड़िया देख रही हूँ ना बेटा, मैथिली जब 3 साल की थी इसे खरीद के दिया था, देखने में बिल्कुल ऐसी थी, मेरे लिए तो आज भी ऐसी है। बस यही तो रह जाएगा मेरे पास, यही तो रह जाएगा मेरे पास। नेकचंद जी समय हो गया, चलिए आप जाइए, हम आ रहे हैं। चलिए बैग लीजिए। बेटा वो पैसे तो पूरे है नहीं। सब ठीक हो जाएगा, चलिए ना आइए। अभी तक नोट लेके नहीं आया, नहीं करेंगे हम शादी। मैं मंडप में बैठ जाऊं? अभी नहीं, चुगड़ी आई नहीं अभी तक। ओके डैडी। आ गई आ गई आ गई। हाँ दे दीजिए। बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते दीजिए। पूरे हैं? हाँ ना दामोदर जी। वो क्या है कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी को मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नेकचंद जी, हम इतने पत्थर दिल भी नहीं है। मैं सारी गड्डियां 500 की ना सही, पैसे तो पूरे हैं। पंडित जी मंत्र शुरू करो। बेटा अतुल। यस डैडी। बैठ जाओ। ओके डैडी। भगवान विष्णु मंगलम करुणा।
साजन के साथ बैठ जाइए। इस बैग में रखे नोट गिनो। पूरे 5 लाख है कि नहीं? आजकल बैंक की गतियों में भी नोट कम निकलते हैं। अच्छा अच्छा खुश हो? मिल गया, मारा पैसा मिल गया। वो चोरी हुए पैसे मिल गए? हाँ। अरे कहाँ मिल गए? थारी पेटी में। मारी पेटी में? वो थारा नहीं, मारा पैसा है। थारा 4.5 लाख रुपया पेटी में है, पर इस 100 की 5 गड्डी मारी है। कैसे मालूम थारी है? अरे भाई, मैं हर नोट की गड्डी पे रोली का टीका लगाऊं, देखो लगड़ा है कि नहीं। लगड़ा है ना? नहीं लगड़ा तो है। तुझे मारा है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। संभालो थाकी पेटी। एक मिनट रुको। काय हुयो? ए नेकचंद जी बुला रहे हैं। नेकचंद जी बुला रहे हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। माफ करना ना करना वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए आपने जो 5 लाख रुपए दिए थे, ये कहते हैं उनमें से 50,000 रुपए इनके? मैंने तो 4.5 लाख ही दिए थे जी। हमसे ड्रामा जी? ये 50,000 रुपए इसी बैग में से निकले हैं चोरी के? ये मेरे नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। पंडित जी मंत्र रोको। नहीं। अतुल बेटे। यस डैडी। उठ जाओ। ओके डैडी। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ये शादी मत रोकिए हजारी लाल जी, ये मामला सुलझ जाएगा। ये मामला और उलझ गया है। जब तक ये पता ना चले कि रुपया चोरी का आया कहाँ से, ये शादी रुकी रहेगी। अब बाकी का 4.5 लाख रुपया कहाँ कहाँ से आया ये भी बता दीजिए। पैदाई, मेरे 6 महीने का बंदोबस्त हो गया, जेल जाने का टाइम आ गया। माँ को जरूर मिलना। मैं अपनी बेटी के सर की सौगत खा के कहता हूँ, मैंने अपनी एक एक चीज गिरवी रख के ये पैसे जमा किए, मुझे इन 50,000 के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ झूठ बोलते हैं आप। सच कह रहे हैं ये? बैग में पैसे मैंने रखे थे। अरे मिल गयो, यही है बिस्कुट वालों। तुम तो बंसीधर के बेटे हो? जी नहीं, मैं यहाँ किसी का बेटा बेटा नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ। इस सेठ के पैसे मैंने चुराए और पुलिस से बचने के लिए शादी में घुसाया। यहां आकर देखा कि समाज के जाने माने इज्जतदार लोग रीति रिवाज परंपरा के नाम पर इस लड़की के मजबूर बाप को लूट रहे हैं। मैंने इनकी मदद करने की सोची। दहेज में 50,000 रुपए कम थे, मैंने अपने चोरी के पैसे इनके बैग में रख दिए जिनके बारे में कुछ नहीं पता। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। असली बात तो मैं बताता हूँ अंकल जी, इसका मैथिली के साथ चक्कर है। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये मैथिली के कमरे में था। सॉलिड चक्कर है इन दोनों का। एक लफ्ज भी ज़बान से बाहर निकाला। एक मिनट। गुल्लू बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस चोर का मैथिली के साथ चक्कर है? अंकल जी मैंने अपनी आंखों से देखा। सुनो, ये मैथिली के कमरे में था। बोलो। दुल्हन के कमरे में पराया मर्द पूरा 1 घंटा। आंटी जी ये भी सुनो, और ऊपर से दरवाजा बंद। आप क्या बोले? झूठ है ये झूठ बोल रहा है, ये इल्जाम लगा रहा है। इन जुबान में कीड़े पड़े। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस चोर से पूछो। चोर से क्या पूछो, इस लड़की से पूछो। क्यों री, क्या गुल्लू सच कह रहा है? ये चोर 1 घंटा तेरे कमरे में था। ये तो क्या कह रही है? देखा, आप बोलो। क्यों मेरी बच्ची कुछ इज्जत लेने पे तुली है? कुछ नहीं बची, तुम्हारी तो पूरी गई, अब तो हमारी इज्जत पे बनाई है। बस बहुत हो गया, एक शरीफ लड़की पर बिना सच्चाई जाने कीचड़ उछल रहे हैं आप। मैं सेठ गुलाब चंद से बचने के लिए इनके कमरे में जा चुका, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह दुल्हन का कमरा है। अरे आज से पहले इन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं था। यह बेचारी तो अभी तक मेरा नाम तक नहीं जानती, और आप देखिए, मैथिली एक बहुत अच्छी चरित्रवान लड़की है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन शादी की रस्म पूरी कीजिए। चुप कर, एक चोर से सर्टिफिकेट लेके हमें लड़की को पास नहीं कराना है। देखो नेकचंद, बात बड़ी बदनामी की हो गई है। एक अजनबी आदमी तुम्हारी बेटी के कमरे में 1 घंटा बैठा रहा और 50,000 छोड़कर गया। अब इसका हम क्या समझें? वही आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती है, मगर फिर भी
तुम पर तरस खा के हम तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं। बेटा तो यस डैडी बैठ जाओ। ओके डैडी। अब देवता है भगवान है आप। हाँ तो नेकचंद 50,000 तो पहले कम थे, अब इस लड़की के शुद्धिकरण और पूजा पाठ पर 50,000 और खर्चा होगा, हो गए पूरे 1,00,000। नहीं नहीं पैसे अभी नहीं चाहिए, हम इतने पत्थर दिल भी नहीं है, फेरे तो हो जाएंगे, मगर हाँ 2-4 दिन के बाद 1,00,000 रुपए के साथ लड़की को तुम हमारे घर भेजना। हजरी लाल जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप हाँ कह दो पापा। क्या? आप हाँ कह दो पापा। क्या भक्ति है तू? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जैसा हजारी लाल जी ने कहा, एक आदमी मेरे कमरे में बैठ कर गया, 50,000 छोड़ गया, कल दो बैठा लूंगी, 1,00,000 मिल जाएंगे, और इनसे पूछ लीजिए इन्हें और चाहिए तो 4-5 बिठा लूंगी। हाय राम। क्या कहा बेशरम लड़की, अपनी जबान को लगाम दे। नेकचंद, ये शादी करनी है या हम उठ जाएं? उठ जाओ। है? क्या कहा? मैंने कहा उठ जाओ। क्या कहा? बाहर निकलो फौरन, अभी और इसी वक्त। मैं दिले, चुप कर बेटा चुप कर। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी, बस बहुत हो गया, इस आदमी की धमकियां सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। अब उठने को कहे तो जाते क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलते क्यों नहीं? अरे क्या कह रही है? और तू अपने बाप के इशारे पर रेंगने वाले कीड़े, तू अपना क्या क्या बैठा है? उठ वहाँ से। मैथिली, तमीज से बात कर, मैं तेरा होने वाला पति हूँ। चुप छिछंदर, तेरे जैसे पति से तो सती होना अच्छा है। चल भाग यहाँ से। डैडी, डैडी मेरी शादी, मेरी शादी। तू फिकर मत कर बेटा, 10 शादियां करवाऊंगा मैं तेरी। ये तो रह गई कुंवारी, देखता हूँ कैसे। क्या देखेगा तू? हाँ क्या देखेगा? अरे अब तो दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। तू, तेरी बीवी, तेरे सारे रिश्तेदार, नौकर चाकर, सारे जितने आए ना, उन सब के कपड़े, ये सूट बूट पगड़ी मोजे, यहाँ तक की बनियान रुमाल और चड्डी तक मेरे पापा के दिए हुए पहने खड़े। अगर 2 सेकंड और खड़े रहे ना तो सारे यहाँ उतरवा के नंगा भगा दूंगी। दीदी अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची, चलो भागते यहाँ से। अरे मामा क्या खुसर फुसर कर रहे हो? रेबिस के कीटाणु। दीदी हराम, ये तो पागल हो गई। तू पागल, तेरा सारा खानदान पागल, लालची बुढ़िया, कांजीवरम की काजी हाउस की भैंस। शुक्र कर मैं तेरी बहू नहीं बनी, वरना जलकर मरती तू किचन में और तेरा फोटो छपता अखबार में। दीदी दीदी बेचारे मेरे पापा एक एक आदमी से हाथ जोड़कर ऐसे माफी मांग रहे थे, जैसे लड़की को पैदा कर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया हो। तो है तुम सब पर, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट, निकलो। अरे मैं करता हूँ इन्हें गेट आउट, मार मार के इनकी तस्वीर पे लात। आओ जी बुआ जी मेरे साथ। चल आगे बढ़, दिखा दे अपने। क्या पढ़ूं? चल आगे आगे हो तो समझ के हो। ये गुलाबचंद कहाँ है? अब गुलाबचंद को क्या करेंगे? उसके पास बैग है। तुझे उठने के लिए कहा था, ये बैग उठा के कहाँ भाग रहा है? ये वहाँ पड़ा हुआ था। एक पड़ेगी ना तो यहाँ पड़ा हुआ मिलेगा तू। चल फट। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। चोर कहीं के? बहुत भाग लिए, चलो थाने। हाँ एक सेकंड इंस्पेक्टर, जिसकी अमानत है उसे तो लौटा दूं। अरे भाई साहब एक सेकंड इधर आइए, ये बैग नेकचंद जी को दे देना। बड़े मुश्किल से पकड़ में आया है तू आज। हाँ। मुझे मेरे पकड़े जाने का अफसोस नहीं है। हाँ? लेकिन खुशी इस बात की है इंस्पेक्टर कि आज एक लड़की समाज के सड़े गले रीति रिवाज के बंधन से आजाद हो गई। इसी खुशी में ये लीजिए। रिश्वत देता है क्या? बिस्कुट है बिस्कुट। मुझे भी देना। रोता क्यों है? तू भी लेना, टेस्टी है टेस्टी। हाँ नेकचंद जी, नेकचंद जी, आपके पैसे हजारीलाल लेके भाग रहा था, वो चोर था ना, उसने बचा लिए। कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा, अनर्थ हो गया, सब अनर्थ हो गया जी, सब अनर्थ हो गया। कौन ब्याहेगा इसे, हम कौन ब्याहेगा? सब मेरी गलती है,
पापा को इतना दुख देने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। सब मेरा कसूर है। ना ना बेटी ना, ये तेरा कसूर नहीं है, ये तो हमारा कसूर है। तूने जो आज कहा, तूने जो किया, अगर अपने वक्त में हम कहते, हम करते, तो तुझे ये दिन देखना ना पड़ता। बेटी हो सकता है तुझे तकलीफ सहनी पड़े, लेकिन लड़की जात को हिम्मत मिलेगी, बड़ी हिम्मत मिलेगी। शाबाश बेटी, शाबाश। ये लो मैम साहब आपका टिकट। गाड़ी एक घंटा लेट है, तब तक आप वेटिंग रूम में आराम करो। ओके। हेलो इंस्पेक्टर साहब, राम राम। मैं गोपाल राम कुली बोलता है। आपने जो हुलिया बताया था वो औरत यहाँ आई है। चले हुए दही। कम ऑन वैदेही, लेट्स नॉट प्ले कैट एंड माउस गेम। जब तुम सब जान ही गई हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंक्यूबेटर हो। कुछ ही महीनों की बात है, मुझे मेरा बच्चा मिलते ही तुम आजाद, फ्रीडम। बच्चा मेरा है, तुम मुझसे मेरे बच्चे को नहीं छीन सकते। कानून भी मां का साथ देता है। मां ही ना रहे तो? अगर मां ही ना रहे तो तुम और तुम्हारा कानून मुझे रोक नहीं सकता। किरकिरी है उस्ताद, देख तू। कुछ आप नहीं है हा? हमें कानून सिखाता है, अपने हम नहीं देख लेंगे। अरे कितने दिन तक अंदर रख सकते हैं? हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। मजाक समझते हैं क्या? हम देख लेंगे। ये क्या तरीका है? हम देख लेंगे। अच्छा तो बहुत शौक है आपको एप्पल खाने का? शौक नहीं है भाई, जरूरत है। सेहत अच्छी रहती इससे। An apple a day keeps the doctor away। और आधा खाकर आप फेंक भी देते हैं? कीड़ा लग गया तो फेंक भी देता हूँ। देख के फेंकते हैं या ऐसे फेंक देते हैं? नहीं नहीं कमाल कर रहे हैं, बराबर देख के फेंकते हैं। देख के फेंकते हैं? जिले इलाही की फराग दिली से कनीज को यही उम्मीद थी। दारोगा जिंदान। ए चायला रे, बहुत हो गया। अरे जानकी अरे ए चायला रे चाय। जानकी ये हमारा फाइनल ड्रेस रिहर्सल है। पुरुषोत्तम जी वो आपसे मिलने आई हैं। नमस्ते, मैं ही पुरुषोत्तम जी हूँ, रंग महल नाटक कंपनी का मालिक। अरे समझ गया, वो बात ये है कि मैं एक्टिंग करता भी हूँ, एक्टिंग सिखाता भी हूँ। आप एक्टिंग सीखने के लिए आई हैं? जी नहीं, दरअसल मेरा नाम वैदेही है। अच्छा, मैं सावित्री जी से मिलने आई हूँ। सावित्री जी? जी। अरे उन्हें गुजरे हुए तो 2 साल हो गए। क्या? हाँ। उनके बेटे ने एक चिट्ठी उनके लिए भेजी। किसने? राजू ने? हाँ। अरे वो तो खुद अपने हाथों से माँ का अंतिम संस्कार करके गया है। कमाल है, जरा चिट्ठी दिखाइए दिखाइए।
प्रिय वैद्य, ये तो आपके नाम है। हाँ एक और है, पुरुषोत्तम जी, ये मेरे नाम है। वैद्य ही, जिस मनोस्थिति में तुम हो उसमें शांति, सुरक्षा और आराम की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा, वरना तुम इतनी दूर मेरे गांव हरिपुर नहीं आती। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो, तुम्हारा दोस्त राजू। घर आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बहुत अच्छा जी। एक मिनट। जय गौ माता जी, जय गौ, जय जय जय। ये रहा सावित्री जी का घर, यानी कि अब आपका घर। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे जरूर याद कर लीजिएगा। हाँ मैं यहीं रहता हूँ। ये मेरी पत्नी लता, उसे कुछ नहीं पता, शर्मीली है ना, खानदानी है। अच्छा चलता हूं, नमस्कार। लता, लता, तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे कितनी बार तुम्हें मना किया है, खिड़की पे मत खड़ी रहा करो, मत खड़ी रहा करो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। अच्छे घर की औरतों को ये शोभा नहीं देता। आज तुम खिड़की पे खड़ी हो, कल तुम्हारा किसी के साथ नैन मटक्का शुरू हो जाएगा, परसों तुम मुंह काला करके यहां से भाग जाओगी, तरसों लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और नर्सों मेरी। अरे इसलिए कहता हूं लता, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये दुनिया ही गंदे लोगों से भरी हुई है। इनका तो काम ही है तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को फुसलाना और जिंदगी बर्बाद कर देना। मैं तुम्हें इन बुराइयों से बचाना चाहता हूँ, एक आदर्श पत्नी बनाना चाहता हूँ जो अपने पति के अलावा किसी गैर पुरुष की शक्ल तक ना देखे। हाँ अरे टीकू आया था, वो क्या है कि अग्रवाल साहब की शादी में देना है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी बनवा दूंगा। टीकू जब आया था तुमने अपना घूंघट किया था, शाबाश, आदर्श पत्नी। सावित्री बाई, तारा बहन, और ये है हमारे पुत्तन बाबा, कान से जरा ऊंचा सुनते हैं, और ये हमारे नाटक की हीरो मनीष। नमस्ते। और ये रंग महल की हीरोइन जानकी। नमस्ते। और ये है वैदेही। केकेई, क्या आजकल ऐसा भी नाम रखते हैं? केकेई नहीं मेरे बाप, वैदेही, 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 जानकी, दोनों एक ही नाम है, समझ गए हो ना? आपका रिहर्सल देखा, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। जानकी की ट्रेनिंग मैंने ही की है, अरे उंगली पकड़ पकड़ के तो सिखाया है इसे, जब छोटी थी ना मेरी बात मान लेती थी, जब से जवान हुई है औरों की बात सुनने लगी। पुरुषोत्तम जी, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बैठो यहाँ, एक और खाओ। मेरे नहीं, मेरा पेट भर गया। हाँ हाँ खा लो मुन्ना, खा लो। लेकिन ऐसा करने से आपकी बहुत बदनामी होगी। टू हेल विद बदनामी, मुझे वैसे ही चाहिए किसी भी कीमत पर। आप लोगों के एरिया में जितने भी अखबार हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उनमें ये तस्वीर छाप दीजिए, खबर देने वाले को लाख रुपया इनाम। एवरीथिंग क्लियर? कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा? पुरुषोत्तम जी ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरा दूसरा महीना चल रहा है। क्या दिख रही हो, मंगलसूत्र और सिंदूर? शादी नहीं हुई अभी तक, लेकिन अगले महीने हो जाएगी। अरे ये लो ना, पहुंचो। अरे पहुंचो पहुंचो। ए टीकू जी, दीदी जल्दी से जाके एक पनामा का पैकेट लेकर आना। खाना खा के हो गया है, मनीष बाबू को सिगरेट की तलब लगेगी। और मेरा सामान मेरे घर पे। समझ गया। आओ, वो मनीष है ना, मनीष हीरो, वही मेरा होने वाला है। तुम घर से भाग कर आई हो क्या? तुम्हारे आदमी के साथ तुम्हारा कुछ खटक गया है? टेकू कह रहा था कि तुम सामान वामान भी नहीं लेकर आई हो। मैं भी सोच रही थी कि नहाने के बाद तुमने वही साड़ी कैसे पहन ली। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें साड़ी देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अरे बहुत साड़ी है मेरे घर पे। नहीं, उसकी जरूरत। पुरुषोत्तम जी बुला रहे हैं तुम्हें। आ रही हूँ, आ रही हूँ। साड़ी, काजोल साड़ी, करिश्मा साड़ी, सब साड़ियाँ यहाँ पे। नहीं सच्ची, हर टाइप की साड़ी है मेरे पास। अच्छी कलेक्शन है साड़ियों की। हाँ क्यों ना हो, नाटक के ही सही हूँ तो मैं हीरोइन ही ना, मेंटेन करना पड़ता है। वैसे अगर राह चलते वक्त दो चार आदमी मुड़के ना देख ले मेरी तरफ, रात की नींद धराम हो जाती है। कौन सी साड़ी? ये पहनो तुम, ये साड़ी। ये? हाँ नवरात्रि के लिए खरीदी थी मैंने, अच्छी लगेगी। अरे पहन लो, एकदम करिश्मा लगोगी। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या, मेरी साड़ी पहनकर तुम अशुभ नहीं हो जाओगी। चलो चलो उतारो, पहनो। जानकी मैं ये साड़ी पहन लूंगी, लेकिन तुम वहां जाओ। अहो इतनी शर्मीली।
जानकी प्लीज, तुम चाहती हो मैं साड़ी पहनूं? फिर जा। एक मिनट। क्या क्या कर रही हो? लगता सो रहे हैं भाई साहब। तत्, दो महीने में कुछ नहीं पता चलता। यानी तेरा भी दूसरा महीना? अरे वाह, नाम भी सेम सेम, टाइम भी सेम सेम। ते ताली। नहीं पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल नहीं। अरे जानकी, और मैंने आपको पहले कह दिया था कि अनारकली आपकी कंपनी के लिए हमारा आखिरी नाटक होगा। अब आप हमसे वाल्मीकि की रामायण करवाना चाहते? अरे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पैसे ले लिए, तो हम क्या करें? नहीं पुरुषोत्तम जी, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अरे मुन्ना जाओ, जरूर जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, मैं तो कहता हूँ हॉलीवुड जाओ। अरे मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम बहुत ऊपर जाओ, और देखना एक ना एक दिन मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा कर ही दम लूंगा। हाँ, लेकिन जाने से पहले इस पुरुषोत्तम का ना सही, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आशीर्वाद तो लेते जाओ। रामायण को ठुकराना बहुत अपशगुन बात होती है। हाँ सेठ जी, सेठ जी, आपने इतने लाड़ से जानकी के लिए कीमती हार बनाया था, फिर वापस क्यों किया? अरे वापस इसलिए किया है चिंतामल जी, क्योंकि इस हार में जो दिल आपने बनाया है ना, इसे आपने अपने दिमाग की तरह खाली छोड़ दिया। जानकी चाहती है कि इसमें पी और जे गढ़ दिया जाए। जी हाँ, लाल रंग से गढ़ दूंगा। शाबाश। पी और जे। हाँ समझ गया सेठ जी। हाँ तो मनीष, तुम क्या रहते? पुरुषोत्तम जी, क्या जानकी और आपके बीच कुछ? अरे मुन्ना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब ना जानने में ही मन की शांति है। हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाटक में काम करूं, तो सच सच बताइए कि जानकी और आपके बीच क्या रिश्ता है? मुन्ना मुन्ना। जानकी एक बात बता, मनीष तुझसे प्यार करता है? अरे ये प्यार नहीं तो और क्या है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। अगले महीने हम शादी कर रहे हैं, फिर हम दिल्ली जाएंगे, वहां मेरे हीरो को सीरियल में रोल मिला है, हीरो का। फिर वो कमाएगा और मैं खर्च करूंगी। यानी घर संभालूंगी। दीदी टेकू होगा, अंदर आओ, दरवाजा खुला है। ये टेकू है ना, पहले नाई था, अभी एक्टर हो गया है। टाइम टाइम की बात है। दीदी ये तुम्हारा सामान और ये लो बचे हुए पैसे। रहने दो, रखो। दीदी आज तुम सिनेमा देखने नहीं जाओगी, पिक्चर बदल गई है। कौन सी लगी है? जोश। शाहरुख खान। हम भी है जोश में, बातें कर होश में, यू ना आंखें दिखा। ए नाचा क्या रे, जाते इंडिकेट लेकर आ मेरा नंबर कर, हम दिलो जाएंगे, तुम मैं और मनीष, बहुत मजा आएगा। शराब तुम पीती हो? हाँ यार, छोड़ने की कोशिश करती हूँ लेकिन छूटती नहीं। लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत खराब है। जानती हूँ, इसीलिए तो अधे से पौवे पे आ गई हूँ। वो क्या है ना, रात को नींद नहीं आती है, तरह तरह की चिंता उमड़ती है मन में। ये आदत कैसे लगी तुम्हें? ये पुरुषोत्तम ने, वो मुझे हीरोइन बनाना चाहता था, लेकिन मुझे तो स्टेज से बहुत डर लगता था। एक बार उसने धोखे से पिला के मुझे स्टेज पे ढकेल दिया। स्टेज का डर तो दूर हो गया, मगर आदत पीछे पड़ गई। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रोका नहीं? माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, छोटी थी तब से इस कंपनी में काम करती हूँ। पता है हम सब कलाकार इसी मकान में रहते हैं। मनीष भी? यही नीचे। इसीलिए मुन्ना, इसीलिए मैं कह रहा था, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब न जानने में ही मन की शांति है। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ? शास्त्र तो झूठ नहीं बोलते ना, शास्त्रों में लिखा है इतने बड़े बड़े अक्षरों में, जो स्त्री अपने घर की दहलीज पार कर जाए ना, उस स्त्री के चरित्र पे कोई भरोसा नहीं रहता, और वो भी कलाकार। जिस चेहरे पर चूना लग जाए ना, वो चेहरा कभी किसी का वफादार नहीं रहता। हाँ आप कहना क्या चाहते हैं? अरे जितने अच्छे इंसान हो ना तुम, उतने ही बड़े कलाकार हो। अब दिल्ली जाके तुम अपना करियर बनाओगे या फिर बच्चा संभालोगे? और वो भी ना जाने किसका बच्चा है। सबको मार, इतना मार, इतना मार कि पर्दा फाड़ कर यहाँ गिरे।
है तू भी सीटी बजा। जानती मुझे सीटी बजाना नहीं आता। क्या बात करती है, देख कितना आसान है, देख स्टाइल से होठ पकड़ने का, फिर धीरे से हवा छोड़, देख कितना आसान है ना। ए बैटरी, सीटी तुम लोग ही बजा सकते हो क्या, हम लोग नहीं बजा सकते। बच गई, बच गई, बच गई, और बजा, और बजा, और बजा, 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 बजा। तुम साला एक दर्जन गांवटी लोग दो साल से इधर में आते घुस बैठा है। चांद कितना प्यारा लग रहा है ना, देखते ही आंखों में ठंडक पड़ जाती है। कैसे दिन ब दिन बड़ा होता जाता है और एक दिन पूरा हो जाता है। हमारे बच्चे भी ऐसे ही बढ़ रहे होंगे ना, और एक दिन उनका जन्म हो जाएगा। पता नहीं तुम कहां होगी और मैं कहां होंगी। तू मुझे याद करेगी ना वैदेही? मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। ए, जैसे हमारे नाम एक जैसे हैं, हमारे बच्चों के नाम भी हम एक जैसे रख देते हैं। क्या बोलती है, तुझे क्या चाहिए, लड़का या लड़की? अपनी हालत देख के तो लगता है लड़का ही हो, बेचारी लड़की। ए, लड़की को बेचारी नहीं बोलने का क्या? ये कायनात में जितनी खूबियां हैं ना, सब अकेली लड़की में डाल दिए बनाने वाले ने। वो अगर अपने जलवे पे आ जाए ना, तो अच्छे अच्छों को नचा देती है। फिर क्या भगवान इंद्र और क्या विश्वामित्र। बस कर रंबा उर्वशी मेनका, बस कर अपनी नौटंकी। नहीं मानती है, आज मैं तुझे भी नचाती हूँ, चल चल। कहाँ? अरे बहुत चाहने वाले हैं मेरे, चल तू चल मेरे साथ। पुरुषोत्तम जी, ये तो वैदेही की तस्वीर है। अबे इमली के दाने, ये वैदेही की तस्वीर नहीं है, बेरर चेक है, बेरर चेक। इसके पति ने लिखा है कि जो भी इसकी खबर देगा ना, उसे लाख रुपया नगद इनाम मिलेगा। हाँ हाँ। तो आपने क्या सोचा है? सोच रहा हूं कैश करें या ऐश करें, या ऐश करके कैश करें। क्या बोल रहा था रे वो? पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि वैदेही बैरर चेक है, पहले ऐश करेंगे बाद में उसे कैश करेंगे। साला चिल्लर, एक काम कर जी, दिल्ली के लिए एक और टिकट निकाल, मनीष और मेरे साथ वैदेही भी चलेगी। आने दो पुरुषोत्तम को। ये मरा भी। अरे जानकी तुम घर पे हो? हा? मेरे घर में मेरे सिवा और कौन होगा? वैदेही। अरे उसे भी तो तुमने, अरे उसे भी तो तुमने अपने पास रख लिया है ना। हाँ तो वो क्या है कि बाजार गया था साड़ियां खरीदने लता के लिए, सोचा एक दो वैदेही के लिए भी ले लूं, अकेली है बेचारी। ए, ना वो अकेली है ना बेचारी, उसकी बहन है उसके साथ, अपनी साड़ियां ले और चलता बन। जानकी शिष्टाचार व्यवहार सब भूल गई क्या? सब याद है, मुझ पर बस नहीं चला तो वैदेही को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे फंसाने की नहीं, बसाने की कर रहा हूँ। चल गांधी बंद और दूसरा गाली दर कर। पहला इसलिए कि तूने मेरी बहन को गाली दी, और दूसरा रात को काला चश्मा लगाकर घूम रहा है इसलिए। सियावर रामचंद्र की, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की। प्रभु लक्ष्मण जी ने बड़ी वीरता के साथ इंद्रजीत का वध कर दिया। लक्ष्मण भैया शाबाश, लक्ष्मण शाबाश। रावण पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु के बाद अब ये निश्चित हो गया है कि अंतिम विजय हमारी होगी। रामचंद्र की। मनीष हा? कल शाम की गाड़ी की तीन टिकटें मिल गई हैं दिल्ली जाने की, बर्थ भी मिल गया। तीन टिकटें? हाँ मैंने नहीं कहा था कि वैदेही भी चलेगी हमारे साथ दिल्ली? जानकी मैं सोचा था इस बार दिल्ली में अकेले ही जाऊं। अकेले? हाँ वो ताऊ जी बोल रहे थे कि जब तक सीरियल स्टार्ट नहीं हो जाता मेरा अकेला रहना ही बेहतर रहेगा। मगर मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? तुम्हारे पुरुषोत्तम जी है ना, अच्छा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। प्रशांत हाँ? अरे विक तो देखो यार गिर रहा है। जानकी तुम्हारी एंट्री है। बंद कर, बंद कर ये गरजना दुष्ट रावण, मुझे तेरे क्रोध में तेरा विनाश स्पष्ट नजर आ रहा है। विनाश तो राम का होगा सीते कलयुद्ध में, फिर तुम्हें रावण के चंगुल से छुड़ाने वाला
कोई नहीं होगा। चुप रहे नीच अधर्मी राक्षस। जिस प्रकार किरण को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मुझे भी भगवान श्री राम से अलग नहीं किया जा सकता। मनीष ये तो सोचो, 2 महीने हो चुके हैं, 1-2 महीना और मेरा पेट नजर आएगा, कैसे क्या? जानकी, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे बच्चे की इतनी जल्दी क्या है? हाँ क्या? नहीं, सोच रहा था एक बार घर बार सेटल हो जाए, बच्चे भी हो जाएंगे, और वैसे बच्चे भी तभी अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मैं बच्चा गिरा दूं? मनीष, ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। ये सपना हम दोनों ने देखा था, तय किया था हम दोनों ने कि हम। देखो जानकी, मैं नहीं जानता हूं कि मेरे घर वाले इस बारे में क्या सोचेंगे, और न जाने लोग भी क्या कहेंगे। ये घर वाले, ये लोग कहां से आ गए सब? उनसे पूछ के मुझसे प्यार किया था, उनसे पूछ के मुझे अपने बिस्तर में ले गए थे। तो बोलो, जवाब दो। इसका जवाब तुम्हारे पास है। जानते लोग तुम्हारे और पुरुषोत्तम के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बच्चा भी। चुप क्यों हो गए? बात पूरी करो। शादी होगी, मगर इस बच्चे के बिना। राक्षस, तू अपने बल के घमंड में वैदेही के रूप में अपनी मृत्यु उठा लाया है। बनवासी राम, ये शूल वज्र के समान शक्तिशाली है, तुम दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारता हूं। ये ले ब्रह्मास्त्र। ये क्या कर रहे हो? प्ले चल रहा है, स्टेज पे जाना है तुम्हें अभी। मैं बहुत अपसेट हो रही। क्या हुआ? ये मनीष है ना, ये मनीष कहता है कि अब उसे बच्चा नहीं चाहिए, कहता है कि रात उसे क्या। देखा, तू भी अपसेट हो गई ना। ये मर्द लोग कुछ भी कहते हैं और कहने से पहले सोचते भी नहीं है। जानकी, शायद मनीष कुछ प्लान कर रहा होगा तुम्हारे और उसके भविष्य को लेकर। सोच रहा होगा पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अब नहीं, बात ये नहीं है वैदेही, उसे शक है, उसे शक है कि बच्चा उसका नहीं है। बात सिर्फ बच्चा गिराने की होती तो शायद मान लेती, मगर यहां बात मेरे चरित्र की है, मेरे आत्मसम्मान की है। वो सबूत चाहता है मेरी सच्चाई का, मेरे प्यार का, परीक्षा लेना चाहता है मेरी। मगर आज परीक्षा उसे देनी होगी कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। अगर मैं पवित्र हूं तो इस बच्चे के साथ पवित्र हूं, नहीं तो नहीं। और अगर वो मुझे अपनाएगा तो इस बच्चे के साथ, नहीं तो नहीं। जानकी, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सियावर रामचंद्र की जय। सीता मैया की जय। 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 सियावर रामचंद्र की जय। हे सीते, युद्ध में शत्रु को पराजित करके हमने तुम्हें उसके चंगुल से बचा लिया, लेकिन ये हमने तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं किया, बल्कि अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए, सदाचार की रक्षा और अपने सुविख्यात वंश पे लगे कलंक को मिटाने के लिए किया। हे वैदेही, तुम लंका में पर पुरुष के यहां रहकर आई हो, इसलिए तुम्हारे चरित्र पे संदेह का अवसर उपस्थित होता है, अतः मैं तुम्हें नहीं अपना सकता।
तुम जहां जाना चाहो, जिसके साथ जाना चाहो, जा सकती हो। बस हे वीर, आप क्यों ऐसी कड़वी बातें कर रहे हो? रावण मुझे उठा ले गया, इसमें मेरा क्या दोष था? मन तो क्या, मैंने अपने तन पर भी उसकी छाया पड़ने नहीं दी, और आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? मैं विवश हूं वैधी, तुम जैसी दिव्य रूपी नारी को अपने महल में रखकर दुष्ट रावण बहुत समय तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। अतः जानकी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। हे रघुकुल नंदन, लंका में आपका नाम स्मरण करते हुए मैंने एक एक पल एक एक युग की तरह काटा है, और उसका परिणाम यह है कि आप मेरे चरित्र पर प्रश्न उठा रहे हैं। आपको अपने वंश, सदाचार, पराक्रम सबकी चिंता है, अपने जीवन संगिनी की कोई चिंता नहीं। वनवास आपको हुआ था, मुझे नहीं। चाहती तो मैं भी देवरानी उर्मिला की तरह राजमहल में बैठी रहती, मगर मैंने आपको परमेश्वर माना, आपके साथ वन में चली आई, पत्नी धर्म निभाया मैंने, और आप मुझे ही दंड दे रहे हैं। एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो विश्वास क्यों नहीं, बोलिए। हे मिथिलेश कुमारी, समाज की... मैंने ब्याह आपसे किया है, समाज से नहीं। आप बताइए, आप मेरे साथ हैं या नहीं, बताइए बताइए, आप मेरे साथ हैं या नहीं, उत्तर दीजिए, बताइए, बोलिए। जल्दी प्रॉम्प्ट कीजिए, ये गलत डायलॉग बोल रही है। उत्तर दीजिए, सही बोल रही है। हे देवी मिथिलेश कुमारी, विजय नंदिनी जनक दुलारी, शांत शांत, भैया आपसे क्रोधित हैं। वो क्यों क्रोधित हैं? क्रोधित तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि सवाल मेरे चरित्र को लेकर उठा है, बात मेरे आत्मसम्मान की है, और सच तो ये है कि मेरी सारी मुसीबतों की जड़ तो तुम हो सुमित्रा नंदन। शूर्पणखा की नाक तुमने काटी, और रावण उठा ले गया मुझे, उठाना चाहिए था तुम्हें। उसने भी अपनी मर्दानगी औरत पर ही दिखाई। हे मैथिली, हे वैदेही, हे हे हे, अरे क्या हे? आप दोनों भाई भालू और वानरों की सेना लेकर लड़े थे ना रावण से? मैं अकेले ही लड़ी थी उससे अशोक वाटिका में, तोड़ दिया था उसका मनोबल, छिन्न भिन्न कर दिया था उसके आत्मविश्वास को, हरा दिया था मैंने उसे वही अशोक वाटिका में। मरे हुए को मार गिराया युद्ध क्षेत्र में आपके भाई पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने। अगर मैं रावण की बात मान लेती ना देवर जी, तो बिना लड़े ही आप दोनों युद्ध हार जाते, फिर क्या होता आपके पराक्रम का, आपके वंश का, आपके सदाचार का? मेरे साहस, मेरे धैर्य, मेरे विश्वास, मेरे प्रेम का यही फल मिल रहा है आज कि भरी सभा में मेरा अपमान, मेरा परित्याग। हे मिथिलेश कुमारी, विजय नंदिनी जनक दुलारी, अरे जानकी मेरी माँ, विषय से भटक रही हैं आप, अरे जल्दी से चिता खोल दो यार। हाँ, जल गई चिता, अब अग्नि में प्रवेश कीजिए। आप पवित्र हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, आपको केवल अग्नि में प्रवेश करना है और उतर जाना है, फिर भैया भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न। बोलो सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की। अब अग्नि में प्रवेश कीजिए और साबित करके दिखाइए। मुझे कुछ साबित वाबित नहीं करना है। हा? जिसे मुझ पर भरोसा नहीं, मेरी बात पर भरोसा नहीं, उसके लिए मुझे कुछ साबित नहीं करना है। और रही बात अग्नि परीक्षा की, तो हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहे हैं, तो हम दोनों ही अग्नि परीक्षा देंगे। चलिए बैठिए अग्नि में, चलिए चलिए। पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी, गजब हो गया। जानकी ने अग्नि परीक्षा देने से मना कर दिया। ये गया मनीष, ये गई दिल्ली, ये गई शादी, सब मर्द एक जैसे होते हैं। जो बात इनके कानों को अच्छी लगे, जो बात इनके मन को रिझाए, वही बोलते रहो, तो सर पर बिठाकर पूजा करेंगे, कहेंगे देवी है, और जिस दिन अपने मन की बात कह दी तो कहेंगे उल्टा है, चरित्रहीन है, शोर मचा रहे समाज के ठेकेदार। अरे जरा पूछो, पूछो इनसे, सदियों से औरत सती होती आ रही है,
कभी कोई मर्द कूदा है आग में अपनी औरत के लिए? पूछो, कोई करवा चौथ बना है इनके लिए? पाखंडी। अच्छा हुआ मेरे मन की भड़ास निकल गई, भूल गई थी कि मैं स्टेज पे, ऐसा लगा सामने मनीष खड़ा है। तुमने मनीष पर भरोसा करके बड़ी गलती की जानकी। तुमने क्या गलती की थी वैदेही? तुमने तो समाज के सामने सात फेरे लेकर रीति रिवाज निभाकर शादी की है, पर आज तुम भी वही खड़ी हो ना जहाँ मैं खड़ी हूँ, कोख में बच्चा लेकर वनवास, और बेचारी सीता मैया अग्नि परीक्षा देने के बावजूद उसे क्या मिला? वनवास, कोख में लव कुश को लेकर जंगल में फिरती रही वो। काश सीता जी ने भी वही किया होता जो तुमने किया है, तो आज कोई मर्द किसी औरत की अग्नि परीक्षा की मांग नहीं करता। छोड़ न वैदेही, भाड़ में जाए मर्दजात, बाप बने का दर्जा हम उन्हें देते हैं और हमारे सर पर खड़े होकर नाचते हैं वो, देखेंगे क्या होता है। मनीष तो रातों रात भाग गया और तुम्हें अकेला छोड़ गया है यहाँ। अब तो जानकी तुम्हारे लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, सुन रही हो ना? जानकी का एक ही ठिकाना, जेल खाना या पागल खाना। हाँ, तुम्हारे लिए एक और रास्ता खुल सकता है अगर तुम मेरी बात मान लो तो। रखेल बन जाओ तेरी। हाँ, नहीं क्यों रे पुरुषोत्तम, जानकी अपनी घर वाली छोड़ हर औरत रंडी नजर आती है तुझे। किसी को मजदूरी देकर बिस्तर में लिया, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर बिस्तर में लिया। जानकी रोटी कमाने के लिए औरत घर से निकली नहीं कि तनख्वाह देने वाला हर आदमी उसे अपने बाप का माल समझता है, क्यों? अरे मामले की गंभीरता को समझो जानकी, बाहर लोग तुम्हारे खून के प्यासे खड़े हैं। धर्म का अपमान किया है तुमने। धर्म का कोई अपमान नहीं किया मैंने, सिर्फ एक सवाल उठाया है जो सदियों से हर औरत के मन में उमड़ रहा है। जवाब देते नहीं बना तो जान लेने पर उतर आए मर्द। धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने वाले ऐसे पाखंडी जाहिल गवाह लोगों के साथ जीने से तो पागल खाना बेहतर है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग, सुनिए शांत हो जाइए। जानकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो देखिए एम्बुलेंस आया है, अस्पताल जा रही है। आप लोग जगह दीजिए, जगह दीजिए, जाने दीजिए इसे, जाइए जाओ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यही रुको, पागल हो गई हो क्या? जाने दो, जाए। जानकी। अरे घाट घाट का पानी पिया इसने? अरे सिगरेट भी पीती है। चल उल्टा धूप पर जाकर कहीं। किधर किधर से मुंह काला करा के आई है? शराब भी पीती तो है, पेट में किसका बच्चा है? ये चलती है क्या? जानकी तो पागल हो ही गई थी, उसका दिमाग सही रहता तो कल रात स्टेज पर ऐसी हरकत करती? उसे पागल खाने जाना था सो चली गई। हाँ। पागल खाने में तो तुझे रखना चाहिए हरामी। नहीं, वहां भी नहीं, तू तो बेचारे पागलों को भी नहीं छोड़ेगा। तू जैसे वहशी दरिंदे को तो चिड़ियाघर के पिंजरे में जकड़ के रखना चाहिए। बड़ों से ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती तुझे? बेटी से कम उम्र की बीवी रखते हुए तुझे शर्म नहीं तो मुझे शर्म कैसे? तोबा तोबा तोबा, लता तुम ऊपर जाओ,
शरीफ घर की औरतों को तो ऐसी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। और शरीफ घर के मर्दों को घर में बीवी होते हुए भी दूसरी औरत पे ताम झांक करने की छूट है? क्यों? तुम मर्द जात को अपनी नियत पर भरोसा नहीं तो घर की औरत को पर्दे में रखोगे, कोने में छिपा के रखोगे, चार दीवारों में कैद करके रहोगे। चुप चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी, सब मालूम है मुझे। वो तेरे किराए के गुंडे थे जिन्होंने जानकी की वो हालत की, पुलिस को जाके सब बता दूंगी। अरे जाती कहाँ है? मैंने तेरे पति को फोन कर दिया है, इनाम की रकम अब पुलिस को साथ लेकर वो आता ही होगा। छोड़ मुझे। अरे लाख रुपए का चेक कोई छोड़ता है? छोड़ दो उसे। कौन बोला? मैंने कहा छोड़ उसे। लता तुम्हें कुछ नहीं सब पता है मुझे। छोड़ते हो तो खींच के मारो इसे, खबरिया का चित्रा चित्रा हो जाएगा, समझे? पीछे हट, हट पीछे। आप आइए मेरे साथ। हाँ, हाँ, माफ किया। क्या बाबा गांजा पी को बैठे हैं क्या? कब से दरवाजा ठोक रहे हैं? आप ही है पुरुषोत्तम? मैं ही पुरुषोत्तम जी। मेरा नाम रघुवीर है। कहाँ है मेरी पत्नी? मेरी पत्नी के साथ। और तुम्हारी पत्नी? इनकी पत्नी के साथ। अबे टूटे हाथ से मारा तो फट्टे डोल की तरह सर फट जाना, तेरी तो सच बोल। सच बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी इनकी पत्नी के साथ भाग गई। खया बता गई बाबा, आदमी औरत को लेके भागता सुनो, मैं औरत को लेके भागती पहली बार सुन रहा हूँ। खया बता गई, सच बोल रहा हूँ, घंटी बज रही, देखो। हेलो अभी आया वैधी, अवध एक्सप्रेस में बैठी नजर। तू हियर, देख हमरे बीच में मत पड़, कही देते हैं नहीं तो बच के जाना पाइयो। अम्मा अम्मा घबरा मत, उल्वा आई गवा, अब हमका बच्चा ही ले। सुना, बच्चा समझ गवा, मगर तुम ना ही समझे। चलो सबके सामान लौटाई दियो और चुपचाप पीछे के दरवाजे से कूद के भाग जाओ। ए, ज्यादा जोश ना दिखाओ बुलवा, तुहार इलाका नहीं है। इलाका कुत्तन का होते संतु, तूफान और भवंडर का कौनो इलाका होता नहीं। जल्दी से फैसला करो, भागे का है कि मरे का है? देख भुलवा, एक बार फिर कह देते हैं। अरे काय को बहसबाजी में लगे हो, टीका सर काट के सरकार को दे दे तो 2,00,000 रुपया इनाम मिली। मूछन की लंबाई से मर्दानगी नहीं ना पिजात बछवा, जो मर्द होते वो औरत और बच्चन पर जुल्म नहीं करत है, और जो जुल्म करत है वो जानवर का शिकार भुलवा बहुत शौक से करत है। सब लोग आंख बंद कर लियो।
बुलवा तो हिया कौन है ये महरिया बेहोश हो गई गाड़ी माँ बुखार भी है अच्छा अच्छा ये का राम दुलारी काकी के यहाँ पहुँचाई भैया पहुँचाई दे संभाल के ये रखो नहीं नहीं भुलवा रखो कहो तो साथ चले जुम्मन चाचा नहीं हम संभाल के पहुंचाई दे वो कहा है कि पुलिस के साथ साथ गजेंद्र के आदमी भी तुम्हारी घात में हैं गजेंद्र के कुत्ते अब भाई मिले रहे गाड़ी में 5 के टिकट कटाई दिए बहुत नींद आ रही है का चल ठीक से दवा एका हमार पांव नहीं गर्दन समझ के दबा फिर हाथ में जान आएगी वाह वाह मलिक वाह लोगन की नफरत से भी फायदा उठाना कोई आप ही से सीखे जय हो जुम्मन जी मालिक गाड़ी जाम पर आ गए रही हाँ मालिक कौन सवारी ले जा रहे हो जनाना मरीज है मालिक अच्छा अच्छा राम दुलारी के यहाँ जा रहे हो जी मालिक ठीक है जाओ जाओ सलाम मालिक चल हीरो सबके इलाज करत है बस हमारे इलाज नहीं करत अरे बधाई हो बधाई कांग्रेचुलेशन जच्चा बच्चा दोनों फिट पटाएं अरे मुबारक हो भैया काकी बताओ लड़का भवाना अरे का लड़का लड़का करत हो लक्ष्मी आई है लक्ष्मी हाँ अरे फिर से लड़की अरे सिर काहे पकड़ ली हो जैसे लड़की नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई भूल गए जब बेरोजगार रही हो पर जब ये धनिया पैदा भई ओके बाद ही तुम्हार मकान बना हाँ इतनी प्रोग्रेस किए तूने डैम फूल भगवान का शुक्र मना और सब लोग सोहर ओहर गाओ हाँ अरे अरे लेटी रहो तुम अपने ही घर में हो हाँ अच्छा एक बात बताओ तुम जात कहाँ रही हो हैं वो हूँ अकेले ना साथ में घर वाला ना माँ बाप आ ले लो ठीक है तुम ना ही बताना चाहे तो तुम मत बताओ पर चिंता मत करो हैं चिंता बच्चे का नुकसान करत है आपको कैसे पता चला कि मैं ये लो अरे हम यहाँ की दाई है दाई मिडवाइफ काकी काकी जल्दी चलो का हुआ पप्पा चाचा मुनिया का दूध में डुबोए जा रहे हैं हाय राम अरे मती मारी गई है इन लोगन की क्या हुआ अरे कुछ घंटे पहले जो बच्ची के जन्म भवा ओके बापों का दूध में डुबो के मारे जा रहा है ए भगवान एक के दोबारा भेजो तो लड़का बना के भेजो एका वापस ले लो भगवान नास पीटे पापी क्या करने जा रहा था तू हाँ कहाँ बिगड़ रही ननी से जाने तेरा अरे ये भगवान की देन है भगवान की लेकिन इससे भैया का वंश नहीं चलेगा काकी पहली औलाद वैसे ही लड़की है ऊपर से ही बोझ अरे चुप रहो दहेजरो बोझ तो तुम लोग हो इस धरती पर अरे तुम्हारी माँ के साथ भी यही हुआ होत तो तुम लोग कहाँ से आते हो हाँ यू एक माँ है हत्यारो माँ का मरियो तो फिर दुनिया में बच्ची का हमारी बच्ची छह लाशें आपको याद है जिसकी शनाख्त आप लिखा रहे हैं यहाँ पर एक जीती जागती लड़की आपके आंखों के सामने गायब हो जाती है पर आपको कुछ नहीं पता यू ब्लडी फूल्स एक मिनट रघुनाथ जी इन बेचारों ने गाड़ी में इतना खून खराबा देखा है तो ये डरे हुए हैं लेकिन इनकी बातों से कम इतना तो निश्चित हुआ कि आपकी धर्म पत्नी इसी इलाके में है तो हम उनका ढूंढ लेंगे I know she's somewhere right here, laughing at me and I can't find her. Francis, yes sir. इनाम की रकम कितनी रखी हुई है? वो 1,00,000. बढ़ाओ बढ़ाओ 2, 4, 5, 10, 50 इतना बढ़ाओ कि जिसने भी इसे पनाह दी है उसके दिल में दया की जगह दगा आ जाए. क्या हुआ? हाथ का है कांप रहे तुम्हार हैं? अगर आप वहां वक्त न पहुंचती तो वो बच्ची को मार डाल देना. अरे कसाई है ससुरे कसाई लड़की उनके लिए बोझ है.
वो देखो, वो 10 बरस की बच्ची अपने वजन से दुगने वजन का बोझ उठाई जा रही है। अब बता, बोझ का है और कौन ढो रहा है, है? वो देखो, वो 7 बरस की कजरी अपने छोटे भाई का कमर पे लादे खड़ी है। अब बताओ, एके उम्र भी खेले कूदे की है, पर कैसे खेले? इतनी सी उम्र में आधी माँ तो वो बन चुकी है। ओके बचपन कब आवा और कब चला गवा पता ही नहीं चला। 2 साल बाद वो अपने पिता का खाना बना के खिलाई। ओके 2 साल बाद ससुराल माँ अपने पति और उनके परिवार का खाना बना के खिलाई और खेत माँ भी काम करी। हाँ, और देखत देखत 2-4 बच्चे जन के बूढ़ा जाए। औरत की तो यही जिंदगी अपने देश माँ, दूसरन की सेवा में घिस घिस के मर जा। और तो और मर्द लोग यहाँ तक कहते हैं कि औरत नरक का द्वार होत है। हाँ, अरे उसी द्वार से तो तुम सारे मर्द भी तो बाहर निकले हो कमीनो। राम जी बने दुल्हा अवधपुर बाजे बधाई हो। हरदोई का सारा माल तैयार होएगा। अब शाहजहांपुर का बताओ कितना माल भेजेगा है। ओ हम कल बताब। इट इज 5 o'clock। आज तुम लोगों का सिपट ओवर। अब अपने अपने घर जाओ और अपने पति लोगों का डिनर कराओ। ओके और सुनो, जे का एडवांस चाहिए है वो सब आज ही ले लो। नहीं काकी, हमका नहीं चाहिए। हाँ, नहीं? काकी है? हमका 100 रुपया चाहिए। हाँ तो ले लो, ई वाउचर मा साइन कर दियो। ई लियो। धत ई का, इतने दिन से हम तुमको सिखा रहे हैं है? और अभी तक तुम हमका अंगूठा दिखा रहे हो। साइन करो नहीं तो हम पैसा नहीं दे। काकी हाँ? अभी हमका ठीक से आवत नहीं। कौनो बात नहीं, टेक योर टाइम। ऑल राइट काकी। च न द र क ला। ये हुई ना बात। मनी गिफ्ट काकी, आप बहुत अच्छा काम करी है। बहुत जरूरी है वैदेही। औरत की उद्धार का एक ही रास्ता है, शिक्षा, एजुकेशन। और वो का कहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। अरे वाह, तुम्हारी अंग्रेजी भी अच्छी है। नॉट बैड। गजेंद्र के खेत में काम करे से मना कर दिस तो वीरेंद्र ने ई हाल कर दिया। रामी की लाश का चील को वे खाए। फिकर मत कर तू, तू फिकर मत कर, संभालेगा। एक अमूह धुलवा दे, संभालेगा। तू फिकर मत कर, समझो कोनो बला टल गई। हाँ तू फिकर मत कर। क्या हुआ, किसने किया ये? अरे वो गजेंद्र और वीरेंद्र, 100 राक्षस मरे हुई हैं। तब ये दोनों चंडाल पैदा भई हुई हैं। वो तो गजेंद्र का टेम अच्छा रहा, जो भुलवा का वार चुप गवा, नहीं तो गर्दन उड़ गई होत भुट्टाइस। खाली एक ही हाथ कटा और काही नहीं काटत। जो भुलवा 7 बरस के रहा तो पूरे गांव में अकाल पड़ गवा, सूखा ही सूखा। पूरे गांव में एक बूंद पानी नहीं, प्यास के मारे भुलवा का गला सूख गया। सिर्फ गजेंद्र के कुआं में पानी रहा। भुलवा की अम्मा ओके पास जाके गिड़गिड़ाई, लोटा भर पानी खातिर ओके आंचल में हाथ डाल दी हरामी। तब भुलवा की अम्मा वही लोटा ओके सर पर मार के चली गई। गजेंद्र भुलवा की अम्मा पर चोरी का इल्जाम लगाई के ओके दोनों हाथ खोलते तेल की कढ़ाई में डलवा दी। समय बदल गया है, हालात नहीं। भुलवा की अम्मा से लेके फूलमती तक औरत की हालत वही की वही। हालत बदलेगी वैदेही जब औरत खुद अपन कदर करना सीखी, खुद अपन इज्जत करी, तभी सबों की इज्जत करिए। चल। पर बहुत खुश दिख रही हो बेटिया। हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। रिजल्ट आ गया क्या? हाँ, सेकंड डिवीजन आया है। सेकंड डिवीजन? अच्छा। पापा, पैसा तो हमने फर्स्ट डिवीजन का खेला था, क्यों छोटे? अरे बहुत बेईमान है ससुर विद्या वाले, कल ही जाकर ऐसा कूच देंगे कि अगली परीक्षा अस्पताल में लेंगे। पापा रहन देव, मगर उसे चेतावनी जरूर दे देना कि अगली बार हमारी बिटिया को टॉप नहीं कराया तो हम ऊ का टॉप खोल देंगे। ठीक। और क्या खबर है हमारी बिटिया रानी? चलो हाथ दिलाओ। पापा
बहुत ही सही वक्त पर आई है तू। अब हमारे लिए एक भाषण लिख दो इलेक्शन के खाते। प्रकाश से लिखवा लीजिए ना पापा, वो बहुत होशियार है। हाँ। ये प्रकाश कौन है, अपने चांसलर पांडे का बेटा? नहीं नहीं वो, अरे ठाकुर हरपत का बेटा हुई। नहीं चाचा, वो राम दुलारी काकी ना उनका बेटा। ठीक, राम दुलारी का बेटा। अरे नीच जात का छोकरा तो कभी काबिल हो ही नहीं सकता है। नहीं चाचा, प्रकाश बल्कि बहुत काबिल है, और वो आज ही अपनी माँ के लिए शहर से कंप्यूटर ला रहा है। कंप्यूटर का? ट्रैक्टर का कोई नया पुर्जा है का? कंप्यूटर बड़ी कमाल की चीज है चाचा, 10 आदमियों का काम एक अकेला ही कर देता है। अच्छा? हाँ चाचा। तो का हमारा ट्रैक्टर अकेला उठा ले? अरे मंद बुद्धि, इसीलिए हम कहते थे 4 किताबें पढ़ लो। बिटिया रानी, हाँ पापा, अपने चाचा को ले जाकर कंप्यूटर दिखाओ, और ये भी देखो गांव में कंप्यूटर ला के राम दुलारी कागुल खिलाने वाली है। अरे बने रहो बिटवा। चलो अम्मा, अब इसको यहाँ रख दो। हाँ। और तुम यहाँ बैठ जाओ। या? तो चलो अम्मा, अब उद्घाटन करो। है? याद है ना कैसे करना है? हाँ हाँ, हमका सब पता है, सिखाए तो रही हो। पहले ई बटन दबाए का है ना? राइट। ओम श्री गणेशाय नमः। अरे भैया, ये तो चमत्कार है। वो देखा? अरे तो चमत्कार हुई गवा। कैसा है? बहुत सुंदर, अद्भुत। ये मरिया को हमने तो पहले गांव में देखा ही नहीं। चाचा, हम यहाँ कंप्यूटर देखने आए हैं। अच्छा है, अच्छा है, चलो चलो चलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है। हाँ? लो फिर चली गई, यहाँ बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है। हाँ तुम तो हंसोगी, तुम्हारे यहाँ की बिजली तो है, बत्ती तो सिर्फ मेरी बस्ती की गई है। चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे, अभी आए अभी चल दिए, यहाँ से तो अच्छा शहर ही था, कम से कम वहाँ मिलते जुलते थे, घूमते फिरते थे, सिनेमा देखते थे, यहाँ तो बिल्कुल कटे कटे रहते हो, मिलते ही नहीं। अरे मिलना जुलना तो ठीक है सुषमा, लेकिन आगे क्या, अगर किसी को पता चल गया ना तो मैं तो सोच के ही घबराता हूँ। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कहा ना कि जब तुम बुरे स्टेट में फर्स्ट आ जाओगे और जब तुम्हारी फोटो अखबारों में छपेगी, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, और फिर मैं पापा को भी मना लूंगी। ओके? अच्छा तो ये प्लान है। हाँ? भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, और क्या। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो माखनपुर की आखिरी बस भी छूट जाएगी। और फिर कब लौटोगे? देखो दोस्त की शादी तो रात को ही खत्म हो जाएगी। हाँ? सुबह 7:30 की बस से लौट आऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। एक विशेष सूचना, एक महिला जिनका नाम श्रीमती वैदेही बजाज है। हे भैया, क्या हुआ? ई महरिया को तो हमने वो दिन देखा। अच्छा, कहाँ? राम दुलारी के यहाँ। अरे मन बुद्धि, दारू चढ़ गई है तुझे। नऊ, इस शहर की लड़की गांव में का करे? अरे भैया, लड़की का मामले में बीरेंद्र धोखा खा ही नहीं सकत। एक मिनट, एक मिनट भैया। अब क्या कर रहा है? 10 लाख रुपया जीरो नऊ सूचना समाप्त हुई। 8। हेलो। हेलो जी, हेलो जी, हम बीरेंद्र बाबू, श्री गजेंद्र बाबू के छोटे भाई, भवानीपुर से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। आपकी जो मैडम है, वो जो टीवी पे फोटो दिखाया था, आप सुन रहे हैं ना? फखरू, फोटो वाली। अरे मैं समझ गया भाई। अरे भाई सुन के, मैं गार्डन से भाग के आ रहा हूँ, क्या भोंगा लगे पैदा हुआ क्या? कुछ कुछ क्या? हेलो, हेलो जी, देखिए आप जो कह रहे हैं वो सही है ना? अरे भाई 16 आने सही और 100% वही। आप मनी ले आइए और लड़की को ले जाइए। ठीक है, आपके बताए हुए पते पे हम कल मिलते हैं। अरे भैया, हम आपका इलेक्शन जीतने का इंतजाम कर दिया, बस वो शहर की लड़की को उठवा लेते हैं। मालिक, मालिक कनेक्शन काट दिया मालिक। शाबाश। काहे का कनेक्शन? अरे भैया वो राम दुलारी के घर की बिजली का, बहुत दिनों से गांव वालों को कंटू परवा सिखा रही थी, अब सिखाओ कंटू पर, हम तो कनेक्शन ही कटवा दिया। कनेक्शन तो सिर्फ बिजली का कटा है मालिक, लेकिन ई घर का कनेक्शन राम दुलारी के घर से बहुत कसके जुड़ा है मालिक। का मतलब? सुषमा बिटिया का पाँव फिसल रहा है। ए! का बोल रहा है बच्चा? जीप काट के फेंक दे। मालिक, मालिक ई जीप भी आप ही की, और ये आंखें भी,
जो अभी अभी सुषमा बिटिया को राम दुलारी के बेटे प्रकाश के साथ देख के आ रही है। कहाँ मिलेगा वो लौंडा, कहाँ मिलेगा वो लौंडा? माखनपुर का वह है, अपने दोस्त की शादी में सुबह 7:30 बजे की बस से लौटेगा। ए भैया कौनो चिंता ना ही करना, कौनो चिंता मत करना, हमारी सुषमा पर नजर डारे वाले प्रकाश को कतर कतर कर खेत मत दबा दे ना। अरे आए थे बाबा काकी। अरे सुषमा बिटिया कहाँ हुई गवा हैं? घबराई हुई का है? काकी जल्दी कुछ करो, तुम खुद माखनपुर जाओ, किसी भी तरह प्रकाश को खबर भेजोगे, वो यहाँ लौट करना है। काकी इसकी जान को खतरा है। हे भगवान, ये का कह रही तू? हो के जान खतरे में काहे होई? ऐसे का करे से वो बता ना, कौन मारब चाहते हो का बता? अरे पापा का उन्हें पता चल गया है कि मैं और प्रकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? अरे मुंह जो से कलम जली, काहे किया तूने ऐसा? काहे किया? कभी ना करी आप समझ? काहे किया तूने ऐसा? कभी किया? छोड़ दे हमको। काहे किया? काहे किया? काहे किया तूने ऐसा? अनर्थ होएगा, अनर्थ होएगा। भगवान हम बर्बाद हो गए बिटिया, हम बर्बाद हो गए। हमारी सारी मेहनत, सारी तपस्या, सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। बर्बाद हो गए। अरे सारे संसार में एक आमरा प्रकाश ही मिला रहा था। हम बर्बाद हो गए बिटिया, हम बर्बाद हो गए। बिटिया हम तुम्हारे हाथ जोड़े थे बिटिया, तुम्हारे पाँव पड़े थे बिटिया, प्रकाश की जिंदगी बकस दियो, वो काम से ना छीनो, वो के सिवा हमरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो का भूल जाओ, भूल जाओ बिटिया, मैं सब भूल गई, भूल जाओ, बस प्रकाश की जान बचा लो काकी, अगर आप माखनपुर नहीं जाएंगी तो मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, तू आने चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मरत मर जाओ, लेकिन तुमको हुआ नहीं चाहते, हर किसी चाहते। पाए लगो मालिक, बिटिया के पेट में थोड़ा दर्द होत रहा, सो हम दवा दे दिया है। रात काफी हो गई रही तो हम सोचा बिटिया को हम खुद ही घर छोड़ दे। जाओ सुषमा अपने कमरे में जाओ। अच्छा मालिक, हम वो चली थे। अपनी फीस नहीं ले हो राम दुलारी? अरे नहीं मालिक, एक ही कोनो जरूरत नहीं। हम पर एहसान करी हो? नहीं मालिक, अहिस बात नहीं। अरे भैया इतने प्यार से दे रहे हैं तो ले लो, आओ आ जाओ। चिल्ला चिले नहीं, दोनों को नंगा करके घुमाए देव गांव में। भैया ये हुई महारिया है जे के बारे में हम आपको बताया था। नथु। जी मालिक।
राम दुलारी का ओके ही घर में बंद कर दो। आरी मेहरिया को ऊपर ले जाकर कमरा में बंद कर दो। अरे नहीं नहीं मालिक, एक जाए दो मालिक, एक इस मामले से कोई लेना देने नहीं मालिक, ये बेचारी बड़ी मुसीबत में है मालिक। अरे एक ही मुसीबत हम दूर कर अब, और फिर इनका पति भी तुम्हारा कल 10 लाख रुपया लेके चल। देख रहा है, ले जा साली को, ले जा ससुरी को। सुनिए सुनिए, सुषमा बिटिया कमरा में नहीं, वो शहर की मेहरिया भी गायब है। ए बाबू। हाँ मालिक। नारायण जी मालिक। राम आस्ते जी मालिक। अरे उस शहर की मैम सुषमा को भगा ले गई है, वो लोग जरूर बस अड्डा गए होंगे। क्या हुआ? तुम कहाँ नहीं जा सकते, हमें अभी इसी वक्त शहर जाना होगा। शहर? शहर क्यों? कुछ मत पूछो प्रकाश, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो चलो। बात क्या है, घर पर सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, चलो तो चलो। जय हो मैया की। देख भुलवा, हमार तुम्हार दुश्मनी अलग, पर यहाँ मामला कुछ और है। ई राम दुलारी का लौंडा सुषमा बिटिया को उठा लावा है, और ई का साथ दिया इस शहर की महरिया ने। नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। कुछ भी हो, अब मामला गजेंद्र बाबू की इज्जत का है। वारे तेरा गजेंद्र, करीबन की इज्जत को तो समझे खैनी नहीं, जब चाहे चूना लगाए रगड़ के खाए, अब खुद पे बात आई तो करे हाय हाय। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। हम फिर से कहते हैं भुलवा, इन तीनों को हमरे हवाले कर दे, अब इनका इंसाफ गजेंद्र बाबू ही करिए। गजेंद्र इंसाफ करी, जो अपने कारिंदन का पेट खाली रख के अपना गोदाम भरत है, वो गजेंद्र इंसाफ करी। जात पात के नाम पर बेकसूर लोगन का खून बहाते, वो गजेंद्र इंसाफ करी। अकाल सूखा में एक लोटा पानी के बदले गरीब औरत की इज्जत पर हाथ डालत है, ऊ गजेंद्र इंसाफ करी। इंसाफ का भाव कर, ई लड़का तो बिटिया उठा लाया, हम तो बाप उठा लाए हिया, और ऊ का खाल उधेड़ के जूता चमड़ौदा बनाई के गरीबन के पाँव मा पहनाई दे। का देख रहे हो, अकेला है मार गिराओ सब। अब झेल लगे गजेंद्र बाबू का प्रकोप, अब तो के नाम हम ही आधाड़ मारते हैं तो हुआओं की धोती गीली हो जाता है। ओ का प्रकोप, बिना चार बंदूकधारी के ससुर हद नहीं जात, ओ की धमकी देते। काकी काकी, अम्मा ने कहा है प्रकाश भैया, सुषमा दीदी और बड़ी दीदी तीनों जंगल में चले गए भुलवा के पास। आज सुबह हमार भतीजी एक नीच जात के छोकरे के साथ भाग गई, बैदही भी उन्हीं के साथ चली गई। डायमेट? हाँ डायमेट, बहुत डायमेट है। अरे हमारा तो पूरा घर दुख से डायमेट है। आपकी तो भागी हुई भागी है, हमारी तो पहली बार भागी है ना। वो देखो हमारे बड़े भैया कैसे गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, और टाइम होता तो पूरा का पूरा गांव जला देते। का करे, इलेक्शन का वक्त है,
और बड़े भैया को बहुत मुश्किल से टिकट मिला है। कहाँ गई है वो, कुछ पता चला? हमार दुश्मन भुलुआ के पास गई है। हरामी बहुत डेंजर आदमी है। डेंजर? ये डेंजर कहाँ मिलेगा? ये डेंजर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब तो उतय करता है। जय हो मैया की। तुम ही भुलवा हो? हाँ साहेब, हम ही भुलवा हैं। वैदेही कहाँ हैं? बुलाओ से मिलना है। उनसे पूछेगा पड़ी साहेब। वो मेरी बीवी है। ये भी उनसे पूछेगा पड़ी साहेब। वेरी स्मार्ट। पी जा। एमा तुम्हार कोनो कसूर नहीं साहेब, बखत ही कुछ बेईमान हुई कबा है। पर हिया नहीं, हिया हम बखत से बहुत पीछे और समाज में बहुत नीचे जरूर हैं, पर असूलन में थोड़ा सा ऊंचे हैं। झोली माँ ईमान और हथेली पर जान, यही भुलवा की जागीर है। हर औरत हमार मैया है और हम मैया का सौदा नहीं करब। जय हो मैया की। बुलवा, बड़े बड़े उसूलों की बात करते हो, जबकि किसी और की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखते हो। ए साहेब, जबान को अपने काबू में रखो वरना काट के ही हाथ में धर दे। गजेंद्र को अपना हाल भी ना सुना पाई हो। देखो भुलवा, बस मीटिंग बर्खास्त। कल सुबह हम उन्हें मलाई घाट पर ले आएंगे, आके मिल लेना। लेकिन कोनो जोर जबरदस्ती नहीं, और अकेले आना। याद रखना, धोखेबाजी की सजा मौत है। जय हो मैया की। छोटे, अपने सारे आदमियों का ई साहिब के साथ कल मलाई घाट भेज दो। भुलवा और ओके साथी जो जो भी मिले काट के नदी में फेंक दो। वन मिनट, एक मिनट। हम दोनों एक दूसरे का साथ इसलिए दे रहे हैं कि आपको भुलवा को मारना है और मुझे मेरी बीवी चाहिए सही सलामत। दो ही मिनट का वक्त है आपके पास। चाहे जोर जबरदस्ती करके या जैसे भी हो, अपनी बीवी का बचा लो। आगे हम जिम्मेदार नहीं। घबराओ नहीं, जाओ मिल लो। चलो लॉन्च में करो। देखो रघु, इस तरह जबरदस्ती तुम नॉनसेंस, वक्त नहीं हमारे पास। जिसके दम पर तुम फूल रही हो ना, दो मिनट में उसकी जान जाने वाली। कमा हम कहे रहे कि धोखेबाजी की सजा मौत है, लेकिन वो बात तुम्हारे भेजे में नहीं उतरे। ओ
तुम औरत जात खुद अपनी दुश्मन हो। मरो। शुक्र मनाओ साहेब, तुमने किसी भी लायतन से नहीं बल्कि अपनी देश की औरत से ब्याह किया है। तब भी तुम्हारे इतने जुल्म सहने के बाद भी तुम्हारी जान पर बनी तो तड़प उठी, वरना ई बखत तुम्हारा सर हुआ पड़ा तुम्हारे धड़ को ही गिरते हुए देखता। बात सिर्फ बच्चे की नहीं रघु, मेरे हाथ सम्मान की है, मैं उसी को बचा रही हूं। भी कुछ ना करी तो सारी बिरादरी हमका नामर्द कही। का करी ऐसा, ऐसा का करी जो बुलवा के छाती फट जाए और साला नीच जात के लोगन के सबक मिले। राम दुलारी, राम दुलारी। दे इधर चला। खबरदार, आगे ना बढ़े हो। अम्मा, अम्मा हमको बचाइए। किस भैया लक्ष्मी चाची हमको बचाइए। हमने कोई का बुरा नहीं किया भैया, हमका माफ कर दो, हमको छोड़ दो, हमको जाए दो भैया। अम्मा, अम्मा, जाए दो भैया, हमको जाए दो। नहीं, अरे ना तू तो हमरे हाथ से पैदा भवा रे। हमको जाए दे लल्ला, हमको जाए दे, हमको जाए दे। हे भगवान, हम कहा जाए, का करी। मंगल, मंगल, ये तू का कर रहा है बेटा? हम तो हर काकी है, हम तो हर काकी। हमको छोड़ दे, हमको छोड़ दे बेटू, हमको छोड़ दे, हमको छोड़ दे लल्ला। गजेंद्र वेरेंद्र ने राम दुलारी काकी की इज्जत लूट कर उनका जिंदा जला दिया। फुलवा Thank you.
मालिक देखिए हम बुलवा को पकड़ लाए हैं, हमारे कब्जे में है वो। शाबाश, शेर को बंधा पाया तो खुल के सामने आया गजेंद्र। आज ठीक 14 साल 6 महीना 8 दिन और 4 घंटे बाद अब दोबारा मुलाकात भई है तुमसे भुलवा। सब याद है हमका। गिन गिन के दिन तो याद रखेगा ही, एक ही हाथ जो रख छोड़ा है खाने और धोने के लिए। लाके पटको हमरे पैरन पर, टुकड़े टुकड़े कर दे साले का। ई तुहार आदमी नहीं, हमार आदमी है। रामाश्रय, जब पिछवाड़े नोक लगी हो तो आदमी वही करत है जो कहा जाए। हम तो का मर्दन में खोजत रहे और तू ही जनानन में छुपा है। अरे नामरद, अगर साड़ी पहन कर वार करत तो शायद हम जान बख्श दे। बुलवा कहाँ जा रहा है? ए बुलवा, अरे हमको मार के जा। ए बुलवा, ए राम दुलारी का बलात्कार हम किया। ए बुलवा, तो तेरी माँ का कसम, हमको मार के जा। बुलवा, ए बुलवा, अरे बुलवा पारमेंटली आ गई और गजेंद्र भी भाग गया। चल भाग, चल। गजेंद्र! यहाँ से टेकड़ी के पीछे मिलिट्री कैंप है, तुम लोग सुरक्षित जाओ, हुआ कोई खतरा नहीं, जाओ। चलो, और तुम बुरी तरह से घायल हो, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, चलो हमारे साथ। हमका कुछ नहीं हुई, तुम्हारी जान खतरे में है, जाओ। क्या समझते तुम अपने आप को? क्या कर लोगे इस हालत में? तुम्हारे सारे आदमी मर चुके हैं, तुम भी मर जाओगे। मैं ही मनहूस हूँ जिसकी जिंदगी में भी आए बुरा हुआ। मैथली जानकी राम दुलारी का की, और तुम भी। अपने आप को दोषी ना ही समझो और ना ही उन लोगों की खातिर अफसोस करो। वो सब बहादुर रही, वो सब लड़ी पाखंडी लोगन के खिलाफ, गलत सलत रीति रिवाजन के खिलाफ। दुख दर्द तो लड़ाई का हिस्सा है, विश्वास करो का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। और हमार चिंता नहीं करो, हमका मौत नहीं, बुलवा चिरंजीवी है, अमर है। जब भी जहां भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठेगी तो समझ लेना बुलवा कहीं आसपास है।
हम तो एक ही बात जानते हैं, जो कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठावत है वही इंसान है, वही जिंदा है। जय हो मैया की। जय हो मैया की। श्री गजेंद्र बाबू की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। घर में दुखद घटना घटने के बावजूद ये हमारी संस्था के वार्षिक उत्सव में शामिल होने आए हैं, ये इनका बड़प्पन है। मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस माननीय श्रीवास्तव जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आकर अपने हाथों से इनका सम्मान करें। बहन की इज्जत उतारने वाले को ये इज्जत ओढ़ने का कोई हक नहीं। भाग जा यहाँ से, तू जानत ना ही हम कौन हैं। जानती हूँ, जो आदमी किसी माँ का बलात्कार कर सकता है वो अपनी माँ के साथ भी कर सकता है, और उसे तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं ये तुम भी जानते हो। कौन है आप? यही है इसका असली रूप। मैं चाहती थी कि आप सबके सामने इसका असली रूप आ जाए। इसने राम दुलारी काकी का बलात्कार किया और उन्हें जिंदा जला दिया, और आप सब इसका सम्मान गलत बोल रही है। उल्टा है, गिरी हुई चरित्र की है, पेट से है और अपने पति के घर से भागी हुई है। डाकू भुलवा के साथ एक के संबंध है और वही भड़का के हमारे खिलाफ आरोप लगाए खातिर एक यहाँ भेजा है। कहाँ देख रहे हो, निकाल बाहर भेजो। चली जाओ यहाँ से। हेलो, क्या कहना चाहती हैं आप? इतने सारे लोगों के सामने एक औरत होके झूठ बोलत है, लज्जा नहीं आती? आती है, लज्जा आती है, जानती है। जहाँ नारी को दुर्गा सरस्वती काली माँ के रूप में पूजा जाता है, जहां लाखों लोग पहाड़ चढ़ते उतरते मां की जय कहते हैं, वही एक मां का बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। पूछने चार आदमी नहीं आए। ऐसे पाखंडी देश में मैंने जन्म लिया, ये देख के मुझे लज्जा आती है। अपने आंखों के आगे जुल्म होते देखकर भी खामोश बैठे अपने भाइयों की नपुंसकता पर मुझे लज्जा आती है। अपनी बहनों की लाचारी पर मुझे लज्जा आती है। आज भी कई गांवों में लड़की के पैदा होते उसका गला घोट के मार दिया जाता है। कई कुंवारी लड़कियां दहेज के डर के मारे खुदकुशी कर लेती है, तो कईयों को शादी के बाद जला दिया जाता है। लड़की के होश संभालने से पहले ही उसकी शादी करा देते हैं, जैसे कि वो बोझ हो, उतार फेंकना है। जिस औरत को बच्चा ना हो उसे बाज कह के ठुकरा देते हैं। क्या औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है? उसका अपना अस्तित्व नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं। कल्चर, धर्म के नाम पर हल्ला करने वाले इन बुराइयों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरे पास इसके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई गवाह नहीं। जिस समाज में सच बोलने वाले को पागल और चुप रहने वाले को समझदार कहते हैं, वह सच कौन बोलेगा?
मैंने सच बोला है। मैं जानती हूं मुझे भी जला दिया जाएगा, और क्यों नहीं, क्योंकि ये वही देश है जहां रावण के हाथ से सुरक्षित लौटी सीता को उसी के पति राम ने उसे आग में उतरने पर मजबूर किया। उस सीता से लेके मैथिली जानकी राम दुलारी तक कितनी सीताएं न जाने किस किस आग में जल रही हैं, और आगे भी जलती रहेंगी, क्योंकि अब हमें लज्जा नहीं आती। हमारी लाज शर्म इंसानियत सब खत्म हो चुकी है, और उसका सबूत है ये आदमी जिसने एक मां का बलात्कार करके जिंदा जला दिया, आज उसे इस मंच में सम्मानित किया जा रहा है। अरे बंद कर ये नाटक, देखा का हो निकल भाग फेंकेगा। अरे सुना घंटा भी तू हमको अंदर नहीं रख सकता दरोगा, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक। मुझे मैं तुम्हारी माफी के लायक हूं वैसे ही। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। आइए टैक्सी में बैठिए, आप ही की गाड़ी है सरकार, आइए बैठिए। तुम यहां? You know him? कहा था ना शादी में मिला था मुझे। ओह बिस्किट वाला। अब वो धंधे छोड़ दिए मैडम, अब तो मैं न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता हूँ। ये मेरे पति रघु। नमस्ते। बेटा हो बेटी? बेटी। बेटी नाम क्या रखा? राम दुलारी। राम दुलारी अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। अच्छे वक्त तुम ही मिले हो, मैं एक चैरिटी शो कर रही हूँ, ये रहा उसका पास, जरूर आना शो के लिए। चैरिटी शो? जानकी मेरी सहेली बहुत अच्छी डांसर है। अब एक से काम नहीं चलेगा मैडम, अब तो मैं दो हो गया हूँ। दो यानी कि तुमने शादी कर ली है? तो क्या अब तक मैं कुंवारा बैठा रहता? ये देखो मैथिली देखिए शादी के लिए। बाकी बातें टैक्सी में करेंगे वरना गोरा चालान कर देगा। कमाल लटको लटको कमाल। चलो हम भी यहीं, आप लोग भी यहीं, मिलते रहेंगे। एक्चुअली मैं जानकी को चैरिटी शो के लिए लेके आई हूँ, फंड इकट्ठा करके भारत जाकर उन संस्थाओं की मदद करेंगे जो औरतों की तरक्की के काम में जुटी हैं। रघु भी मेरा साथ दे रहे हैं। हाँ मैं अकेला नहीं, मेरे यार दोस्त मेरी कंपनी के सारे लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि औरतों को एहसास हो।